हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू textbook.com। आई होप सो मेरी ऑडियो और वीडियो तुम लोग अच्छे से आ रही होगी। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर पूरा का पूरा रिवीजन करने के मकसद से आए हुए हैं और सब कुछ बढ़िया है ना। तो सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से कंप्यूटर जी बोल रहा है, सब कुछ बच्चों को दिखाई सुनाई दे रहा है। तो आई होप सो आप लोग यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ोगे और प्रश्नों के जवाब यहाँ पर दोगे, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर कर दो, जितने भी दोस्त हैं आपके उनके साथ वीडियो के लिंक को शेयर करो, जिससे कि वो भी इस क्लास का लुत्फ उठा सके आपके साथ साथ। तो देखिए, असंभव दुनिया में कुछ नहीं है, जो असंभव है उसको संभव बनाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, है ना गाइस। यहाँ पर देखोगे एक ब्लेड रनर है जो कि बिना पैरों के भी इतनी तेज भाग सकता है, जिसको शायद एक पैरों वाला कभी पीछे कर पाए। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग भी इतनी तेजी से भागिए कि आपको पकड़ने के लिए आदमी को 5 बार सोचना पड़े। तो उम्मीद करते हैं कि इस असंभव से दिखने वाली चीज जो कि एसएससी का एग्जाम है उसको आप संभव बना पाए, पूरा रिवीजन कर सके। तो यहाँ पर जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ गए सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग है। पहले प्रश्न से शुरू करेंगे और यहाँ पे हम लोग टोटल सारे प्रश्न लगाएंगे। तो शुरू किया जाए भैया आज के सेशन को, शुरू करें भैया, 50 बच्चे तैयार कम से कम हो जाए तो शुरू किया जाए। चलिए बहुत बढ़िया, तो बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो जवाब भी दे रहे हैं। चलिए तो भैया शुरू करते हैं, पहले प्रश्न से अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और फिर जवाब यहाँ पे आप लोगों के सुनेंगे और इस क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। चलिए तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, इनमें से चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या था, है ना, मतलब इसका प्राचीन नाम क्या था चिनाब नदी का। विस्तृता नदी है, पारुष्णी है, विपाशा है, अस्किनी है। सभी बच्चों को जवाब देना है, आराम से जवाब दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे जनता बोली है सर सही उत्तर होना चाहिए। यहाँ पे जनता बोली है सर अस्किनी रिवर, जितने लोग बोल रहे हैं अस्किनी रिवर इज राइट आंसर। ये हमारे चिनाब नदी का प्राचीन नाम था, ठीक है। विस्तृता नदी हम लोग झेलम नदी को बोलते थे, जिसके किनारे हमारे सिकंदर का युद्ध हुआ था, ठीक है, सिकंदर और पोरस का 326 BC में। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न बनाते हैं। विजयवाड़ा में किस चीनी विद्वान ने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था। विजयवाड़ा में किस चीनी हमारे बोल सकते हैं कि बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया था, आपको जवाब देना है। ये तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर, जितने लोग बोल रहे हैं डोंग फेंग साउ, यहाँ पर उनका जवाब सही है। विजयवाड़ा जो कि हमारे आंध्र प्रदेश का एक शहर है, वहां पर इन्होंने अध्ययन किया था। तो जितने लोग बोल रहे हैं सर ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, उनका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था। अशोक है, बिंबिसार है, उदयन है, महापद्मानंद है। पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था, बताइए क्या होना चाहिए सही उत्तर। यहाँ पर जो सही जवाब है, जनता बोलेगी सर उदयन ने पाटलिपुत्र को यहाँ पर स्थापित किया था।
एक मिनट रुकिएगा, सारे के सारे प्रश्नों वाला जो पीडीएफ है वो यहाँ पे निकाल लगा लेते हैं, है ना, जिससे कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बनाने का मौका यहाँ पे मिले। एक मिनट रुकिएगा, सारे ज्यादा प्रश्नों वाली पीडीएफ लगा रहे, जब तक आप लोग चलिए। तो प्रश्न है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर जो किस वेद के भजनों को होत्री के द्वारा सुना जाता है, ये प्रश्न है। यहाँ से हम लोग ज्यादा प्रश्न बनाएंगे। यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, या ऋग्वेद है, बताइए। एसएससी की तैयारी करने वाले जितने बच्चे हैं जरा जवाब दीजिए, देखिए कितने लोग जवाब देने के लिए आतुर बैठे हुए हैं। यहाँ पे जनता बोली है सर सही उत्तर होना चाहिए। हमारे यहाँ पर होत्री के द्वारा जो भजनों को गाया गया है वो है ऋग्वेद। जितने लोग ऋग्वेद बोले हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट बुक है, याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, इसमें 1028 हमारे श्लोक है, 4 सही जवाब है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है, तुलसीदास, विश्वामित्र, वशिष्ठ है, या इंद्र है? गायत्री मंत्र की रचना किसने की है, यहाँ पर जनता बोलेगी। गायत्री मंत्र जो है, जो कि हमारे थर्ड मंडल में हमको देखने को मिलेगा, जो हमारे किसका, ऋग्वेद का हिस्सा है, ऋग्वेद का हिस्सा है, जो हमारे किसमें, हमारे विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। 2 नंबर बिल्कुल सही जवाब है। तीर्थांकर नेमिनाथ की मूर्ति किस प्रतीक से माना जाता है, जो हमारे नेमिनाथ है, जो जैर तीर्थांकर है, उनका प्रतीक क्या है? बुल है, लॉयन है, स्नेक है, कॉन्च है? जल्दी से जवाब देते चलिए जितने बच्चे हैं। तो गाइस 24 तीर्थांकर हुए हैं। सबसे पहले तीर्थांकर का नाम आदिनाथ है, ठीक है, याद रखिएगा। और हमारे ऋषभदेव सबसे पहले तीर्थांकर है, और 24वें नंबर पे महावीर स्वामी आते हैं। नेमिनाथ का जो प्रतीक है वो यहाँ पर जनता बताना है। तो जनता बोली है सर सही जवाब होना चाहिए, 22वें नंबर के तीर्थांकर नेमिनाथ है और इनका है कंच। गाइज बुल जो है, सांड जिसको देखेंगे, ऋषभदेव जी का है, जो कि सबसे पहले तीर्थांकर थे। लॉयन जो है ये महावीर स्वामी जी का है। स्नेक की बात करेंगे तो ये हमारे किसका है, पार्श्वनाथ जी का स्नेक है। चलिए आगे चलते, अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर पाटलिपुत्र को मगध में राजधानी किसने बनाया था, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, या कालासो, बताइए क्या होना चाहिए? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी किसने बनाया था, सभी बच्चों को जवाब देना है जितने बच्चे यहाँ पर टिक के बैटिंग कर रहे हैं। जनता यहाँ पे बोल रही है सर उदयन, राइट आंसर, उदयन इज राइट आंसर, सही है। इनमें से किस राजा ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, बिंदुसार है, अशोक है, दशरथ है, या चंद्रगुप्त मौर्य है? यहाँ पर किस साम्राज्य ने प्राचीन भारत की स्थापना की थी, यहाँ पे जनता बोलेगी सर प्राचीन भारत की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य है। मौर्य साम्राज्य को इनके ही स्थापना के तौर पे आप जान सकते हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना। तो गाइज आज जो है हमारा वीकेंड सेल चल रहा है, पैक पास कूपन कोड लगाइए और 1 साल वाला जो है, 12 महीने वाला, उसमें 2 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा और ये आपको पूरा टेक्स्ट बुक पास मिलेगा 360 रुपए में। कूपन कोड पैक पास है। यहाँ पे बताइए भारत के मैकियावेली के नाम से आप किसको जानते हैं, कौटिल्य है, या आपके सामने ऑप्शन है, बताइए क्या होना चाहिए? जनता बोलेगी सर मैकियावेली के नाम से भारत के हम जिनको जानते हैं उनका नाम है हमारे कौटिल्य, या इन्हीं को चाणक्य बोलते हैं, चाणक्य, या हमारे मैकियावेली के नाम से जानते हैं। कौन सा चीनी यात्री नालंदा में आया था, जो एक छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा, कबलाई खान था, इनसिंग था, फाहियान था, वेनस्यांग? नालंदा में आया था और छात्र और शिक्षक जो दोनों के रूप में रहा, जनता यहाँ पे जवाब देना शुरू कर दिया है कि सर फाहियान होना चाहिए, गलत है, वेनस्यांग। बेटा ये नालंदा विश्वविद्यालय में एज ए टीचर और एज ए छात्र संस्कृत सीख के गया था। फाहियान हमारे चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है चोल शिलालेख किसके द्वारा वर्णित किए गए हैं, चोल शिलालेखों में आपको बताना है। यहाँ पर है साला भोग, लैंड गिफ्टेड बाय टू ब्राह्मण, यहाँ पर है पलिचंद्रम, लैंड डोनेटेड टू जैनिज्म, यहाँ पर एक और है क्या, ब्रह्मादे, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल, या आपके पास है वेल्ला नागवई, लैंड टू द लैंड फॉर द फार्मर्स, ब्राह्मण किसानों को भूमि, कौन सा सही जोड़ी है? तो गैस काफी कठिन क्वेश्चन है और एसएससी में ऐसा प्रश्न एक दो आ जाता है, यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए। यहाँ पर पल्ली चंदम जैन संस्थानों को दी गई मंदिर, चोल समुदाय को ये कहा जाएगा, ठीक है ना, जबकि हमारा जो ब्राह्मदेह है ये हमारे मौर्य साम्राज्य में होने प्रयोग होने वाला शब्द है। अगला क्वेश्चन है आपको बताना है,
महमूद आप गजनबी, जिसने महमूद गजनबी किस स्थान पर महमूद गजनबी ने आक्रमण नहीं किया था? बेटा 1000 से लेकर के 1026 तक महमूद गजनबी ने 17 बार अटैक किया, कहां पर अटैक नहीं किया था? मुल्तान, थानेश्वर, जयपुर या कश्मीर? जनता भैया यहां पे बहुत बढ़िया तरीके से जनता जवाब दे रही है, और जनता बोले सबसे फेमस अटैक सोमनाथ का था, लेकिन यहां पर जो सही जवाब हो जाएगा, जहां पर नहीं जा पाए थे महमूद गजनबी, वो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जयपुर में अटैक नहीं किया था। मुल्तान से में इनका पहला अटैक था, उसके बाद से धीरे धीरे ये पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग एरिया में, मध्य प्रदेश, गुजरात, हर जगह पे इन्होंने अटैक किया था। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा जयपुर के ऊपर टिक करना है। गुलाम वंशों की उत्पत्ति कहां से हुई? पर्शियन, मंगोल, टर्क या अफगानिस्तान? गुलाम वंश के संस्थापक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कहां से थे ये ऐबक साहब? जनता बोले कि सर कुतुबुद्दीन ऐबक ये हमारे टर्की के मार्केट से खरीदे गए थे, टर्की के मार्केट से गौरी ने इनको खरीदा था और उसके बाद से कहां पर भेज दिया, हमारे हिंदुस्तान में भेज दिया था, तो टर्की से खरीदे गए थे, टर्कस थे। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गवन इनमें से किस साम्राज्य से संबंधित है? बहमनी, मुगल, विजयनगर या इनमें से कोई नहीं? बहुत बढ़िया, जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया है कि सर महमूद गवन है ये हमारे, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, ये हमारे बहमनी साम्राज्य से जुड़े हुए हैं, ये 1463 में बहमनी साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे। बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है जफर खान और हसन गंगू ने की थी। इनकी कैपिटल बहमनी साम्राज्य की गुलबर्गा थी, गुलबर्गा जो है यहाँ की कैपिटल थी, ये भी याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, हुमायूं का जन्म कब हुआ होगा? 1608 में, 1708 में, 1808 में। दिमाग लगाओगे कर ले जाओगे। हुमायूं जो है, जो कि बाबर का बेटा था, बाबर 1526 में हिंदुस्तान में प्रवेश करता है और इसका जो टेन्योर है 1530 तक हिंदुस्तान में रहा, तो ये इसी के दौरान इन्होंने जन्म दिया था 1508 में, किसका? बाबर का। यहाँ पे जन्म, हुमायूं का जन्म जो है 1508 में ही होना चाहिए। आगे चलते अगला प्रश्न देख लेते हैं, मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद जो है ये कहाँ पर देखने को मिलेगी? आगरा में, गोलकुंडा रेड या आमेर, कहाँ पर ये हमारे कौन से किले में मोती मस्जिद है? तो मोती मस्जिद जिसको पर्ल मस्क बोलते हैं, ये हमारे बड़ी फेमस मस्जिद है, कई लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन किए भी होंगे। जनता बोलेगी सर ये लाल किले का हिस्सा है, लाल किले का, जिसको शाहजहां ने हमारे बनवाया था, तो लाल किला वाले बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। गाइज यहाँ पर मराठाओं के जो ऊपर टैक्स था उसको पिक करना है, पोलाराज है, परूती है, इकता है, जहांगीर है, देन उसके बाद से जैट है, सवार है, चौथ है और हमारा संदेश मुख है। तो मराठाओं के साम्राज्य में जो हमारे टैक्स लिया जाता था जमीन के ऊपर, उसको सबसे पहले तो आप चौथ के नाम से जानते हैं, चौथ, और उसके बाद से जो है हमारा संदेश मुख, सरदेश मुख होना चाहिए, सरदेश मुख। अगला प्रश्न है हमारे पास, यूरोपीय राज्यपाल ने बीजापुर शासक गोवा के ऊपर कब्जा कर लिया था? बेटा 1210 में पुर्तगालियों ने गोवा के ऊपर कब्जा किया और उसके बाद से 1961 तक ये गोवा में बने रहे, बहुत लंबा टेन्योर गोवा में पुर्तगालियों का रहा है। कौन थे जब गोवा के ऊपर आदिल शाह किंगडम के ऊपर अटैक किया गया था? जनता बोलेगी सर यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए अल्फांसो द अल्बाक्रुक, ये सही है, पहले पुर्तगाली गवर्नर हिंदुस्तान में थे हमारे फ्रांसिस्को द अल्मेडिया। अरे बात समझ में आ रही है, है? समझ में आ रही है कि नहीं? अल्फांसो द अल्बाक्रुक के ऊपर टिक करेंगे, नंबर तभी मिलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, आपको बताना है चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में, कर्नाटक में, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश? गाइज इसी तरीके से स्मार्ट बुक में क्वेश्चन है जहां पर 88% लोगों ने जवाब सही दिया है। एस चांद पब्लिकेशंस की मदद से जीए की, मैथ की, इंग्लिश की, रीजनिंग की किताब है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो गाइज यहाँ पे उड़ीसा, देखिए सभी लोगों ने सही जवाब दे दिया है, इसपे आपको सब प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन बढ़िया मिल जाएंगे। ड्यूरिंग देयर रूल द ब्रिटिश प्रिसूडर और फोर्स कल्टीवेशन इन असम टू ग्रो, हमारे यहाँ पर अंग्रेजों ने असम में किसानों को क्या उगाने के लिए मजबूर किया? जूट, चाय, सुगर केन या गेहूं, क्या उगाने के लिए मजबूर किया था? तो जनता यहाँ पर बोल रही है सर हमारे अंग्रेजों ने असम में जो है उनको चाय उगाने के लिए मजबूर किया था, जूट बंगाल में, और यूपी में जो है वो सुगर केन, और पंजाब में जो है ये गेहूं उगाने के लिए मजबूर किया। इनमें से सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण, तुलसीराम, हमारे दादोबा पांडुरंगा ने, ज्योतिबा फुल्ले ने? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? बेटा अभी तक 150 बच्चे नहीं हुए, खैर कोई बात नहीं, मैम ने बोलना ही बंद कर दिया बच्चों को। सही जवाब होना चाहिए ज्योतिबा फुल्ले, इज राइट आंसर, हमारे
सर्वेंट सोसाइटी ऑफ सर्वेंट्स की स्थापना करने वाले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते, अगला क्वेश्चन क्या आता है, 1857 के विरोध का प्रतीक क्या थे? कमल और रोटी, ईगल, दुपट्टा, तलवार। 1857 का विरोध जो कि हमारे कहां से, बैरकपुर से शुरू होता है, ये हिंदू मुस्लिम एकता का हमारा प्रतीक था और इसका सिंबल था लोटस एंड ब्रेड, कमल और रोटी। अगला क्वेश्चन है, आईएमसी के सूरत सेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गई थी, कब हुआ था ये सेशन? गरम दल नरम दल, कब ये सेशन हुआ था? जनता बोलेगी सर रास बिहारी बोस इस सेशन के अध्यक्ष थे, रास बिहारी बोस थे। यहाँ पर जनता बोलेगी तो सही जवाब होना चाहिए एक नंबर, 1907 में ये हमारा सेशन हुआ था। इतने लोग साथ बोल रहे हैं, जवाब सही है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वायसराय एट द टाइम ऑफ सूरत स्प्लिट? जब सूरत में विभाजन हुआ था कांग्रेस में तो कौन वायसराय था? रीडिंग था मिंटो थे, मिंटो सेकंड थे या चेम्सफोर्ड थे? 1907 में विभाजन हुआ, अभी आप लोगों ने बताया वायसराय कौन था? जनता बोलेगी सर सही जवाब होना चाहिए लॉर्ड मिंटो सेकंड, क्योंकि हमारे बोल सकते हैं कि बंगाल के विभाजन करजन के बाद, करजन 1905 में थे, हमारे 1907 में कौन आ गया? 1907 में आ गए मिंटो सेकंड। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, स्वराज पार्टी का गठन किसके विफलता के बाद किया गया? स्वराज पार्टी का गठन जो है ये किसके हमारे फेल्योर के बाद था? नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया या चंपारण? बड़ा 1923 में यह पार्टी मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने बनाई थी, तो ये 1923 में। तो 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद जो है क्या हुआ था? हमारे असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। एक नंबर सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग के रिपोर्ट पर आई थी? 1835 में कौन सा आयोग आया, बोला कि अंग्रेजी शिक्षा मीडियम को लेके आइए? हेनरी है, वुड्स है, मैकले का मिंट है या थॉमस डिविकटन है? तो यहाँ पर जनता बोलेगी सर हमारे यहाँ पर अंग्रेजी सिस्टम को लेकर के आने वाले विलियम बैंकटिक थे। कौन थे? विलियम बैंकटिक थे, और ये जिसके रिकमेंडेशन पे आया था वो था मैकाले, इनके सचिव थे। वुड्स डिस्पैच पर हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटीज बनी थी, यूनिवर्सिटी चाहे वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो या हमारे बाकी यूनिवर्सिटी हो, ये वुड्स डिस्पैच पे बनी थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस तिथि पर संविधान सभा द्वारा उद्देश्य संकल्प को अपनाया गया था? उद्देश्य मतलब हमारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो कब अपनाया गया? 13 दिसंबर, 22 जनवरी, 26 जनवरी या 15 अगस्त? जनता बोले ये सर उद्देश्य जो संकल्प है ये हमारा जवाहरलाल नेहरू लेकर के आए थे, 13 दिसंबर को ये आया था और 22 जनवरी को अपनाया गया था। यहाँ पे सही जवाब देगा 22 जनवरी को, लाया कब गया था? यहाँ पर अपनाया कब गया था? यहाँ पर। अगला क्वेश्चन बनाते हैं, लोकसभा में सभी संसदीय समितियों का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? जितनी भी हमारे संसद की समिति होती है, चाहे हमारे एस्टिमेट कमेटी हो, चाहे हमारी लेखन कमेटी हो, सबके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट, पीएम, स्पीकर या होम मिनिस्टर? बड़ा लोकसभा का जो बाप होता है, लोकसभा की जो कार्रवाई की प्रेसिडिंग करता है, वही जो है करेगा। तो स्पीकर के ऊपर टिक करेंगे, नंबर लेके भाग जाएंगे। आर्टिकल नंबर 93 में स्पीकर की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किसका प्रतिनिधित्व किया गया? संविधान सभा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, किसका प्रतिनिधित्व था? हिंदुओं का, भारत के पूर्ण राज्य का, भारत के प्रांतों का, भारत के राज्यों और प्रांतों दोनों का? यहाँ पर जनता काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, देखिए कितने लोग बता पाते हैं। संविधान सभा अगर हम लोग देखेंगे, पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और उसके बाद से इन्होंने भारत का संविधान बनाया जो पूरी तरीके से भारत के सभी राज्यों को और प्रांतों को प्रतिनिधित्व करती थी, ठीक है ना। याद रखिएगा 4 सही है। राज्यों के नीति निर्देशक कहां से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, कनाडा या आयरलैंड? इजी क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 4 में डीपीएसपी है, 36 से लेकर के 51 तक में आप पढ़ेंगे, और ये हमारे नॉन जस्टिसेबल है, आयरलैंड से लिए गए, आयरलैंड ने स्पेन से लिया है। तो भैया स्पेन और आयरलैंड का कॉन्सेप्ट है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान में इनमें से कौन सी अनुसूची दल विरोधी कानून मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताती है? आपको बताना है 11वीं है, 10वीं है, 9वीं है या 12वीं है? दल बदल। गाइज यहाँ पे पहले क्या होता था, एक दल से जीते चुनाव, दूसरे में शिफ्ट हो गए, दूसरे में चले गए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, हमारे देश में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने बोला कि अब 1985 में कि अब बेटा अगर दल बदलोगे सदस्यता खत्म कर देंगे, और इस हिसाब से शेड्यूल नंबर 10 को जोड़ दिया गया, जो कि हमारे देश में एक बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन नंबर 52 के तहत आया, 52 नंबर का यह अमेंडमेंट था, समझ में आई बात, 10वीं शेड्यूल को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, अनुसूची भाषा के बारे में जो बताती है, 5वीं है, 8वीं है, 10वीं है, 3री है, हमारे अनुसूची जो लैंग्वेजेस के बारे में बताती है वो कौन सी है? जनता बोलेगी सही उत्तर होना चाहिए
जो लैंग्वेज के बारे में बता रही है वो है हमारी 8th नंबर वाली शेड्यूल। 8वीं नंबर वाली शेड्यूल है जो यहाँ पे बोलेंगे, जवाब बिल्कुल सही है, 8वीं नंबर वाली शेड्यूल है। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 368, यहाँ पर क्या बताता है? एमरजेंसी के बारे में, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, रिट्स राइट अबाउट द जुडिशरी सिस्टम है, या पावर ऑफ पार्लियामेंट है? आर्टिकल 368 किसके बारे में जानकारी देता है? जानकारी दे रहा है सर हमारा जो आर्टिकल 368 है ये हमको जानकारी देता है पार्लियामेंट में अमेंडमेंट संशोधन के बारे में जानकारी देता है जो हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है जेवीपी कमेटी जो है ये हमारे इसके सदस्य कौन कौन से थे, कौन सदस्य नहीं था, नहीं था ये बताना है। सीतारामैया है, नेहरू जी है, पटेल है, या हमारे श्री राम श्रीमालू है? तो यहाँ पर जनता बोले ऐसा सही उत्तर होना चाहिए जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी जो है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटम भाई सीतारामैया, ये लोग थे। यहाँ पर श्री रामालू के ऊपर टिक करना, ये सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं विथ द कंस्टिट्यूशन ऑफ द राइट सिटीजनशिप, इनमें से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से संबंधित है? कंटिन्यूएशन 10 है, 11 है, 9 है या 5 है, बताइए। कई लोग बोले सर 11 होना चाहिए, कई लोग बोले सर 10 होना चाहिए। सही जवाब है आर्टिकल नंबर 10। 11 नंबर पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप पार्लियामेंट की पावर के बारे में सिटीजनशिप की, है ना, सिटीजनशिप के मामले में आप किसी भी तरीके का कानून बना सकते हैं। ठीक है भाई साहब, अगला क्वेश्चन आपके पास आता है अंतिम मौलिक कर्तव्य, अंतिम या 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो कौन सा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 70 है, 71 है, 74 है, 86 है, जिसमें ये बोला गया था कि माता पिता को उनकी कर्तव्य बताई गई थी, ड्यूटी बताई गई थी कि अपने 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजिए, स्कूल भेजने का जो है वो काम करिए। यहाँ जनता बोलेगी सर 86 नंबर वाला अमेंडमेंट है, 86वां अमेंडमेंट है जो 2000 में आया था। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सभी अंतरराष्ट्रीय संधियां और समझौतों के नाम आप किसके नाम से जानेंगे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, CGI है या फॉरेन मिनिस्टर है? जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे संधियां और समझौते किसके नाम से आएंगे? तो यहाँ पे जनता बोल रही है सर सही उत्तर होना चाहिए यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के नाम से हम इनको जानते हैं। जितने भी हमारे अमेंडमेंट है भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही सब कुछ किया जाता है, साइन वही करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विधान परिषद का एक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5, 4, 6 या 3? विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, यहाँ जनता बोलेगी सर विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है। 6 वर्ष अगर आप बोलेंगे तो नंबर मिलेगा, अदरवाइज नंबर कट जाएगा। ठीक है, 6 वर्ष सही जवाब है। अगला क्वेश्चन ये आ जाता है पावर टू इशू द रिट्स हैज बीन वेस्टेड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे यहाँ पर आर्टिकल नंबर 32 जो रिट्स इशू करने का पावर है वो कौन से आर्टिकल में देखने को मिलेगा, किसके पास होगा ये पावर? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या ह्यूमन राइट्स? अब यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिएगा, 1 है, 1, 2, 3, 4 है, 2, 3, 4 है या बोथ 1 और 2 है। यहाँ पर जनता बताइए 226 के तहत हाई कोर्ट और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट इशू करती है, याद रखिएगा एग्जाम में पूछेगा, जवाब दे दीजिएगा यहाँ पर बोथ 1 और 2 सही जवाब है। राज्य विधानसभा के में धन विधेयक केवल प्रस्तुत करता है कौन? प्राइवेट मेंबर, मिनिस्टर है, बोथ 1 और 2 है, इनमें से कोई नहीं। जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली है इसमें जो मनी बिल है इसको कौन प्रस्तुत करेगा? तो गाइज मनी बिल सबसे पहले तो हमारे एक ऐसा बिल होता है जिसमें सेकंड हाउस के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, ये मिनिस्टर के द्वारा सिर्फ पेश किया जाएगा, वो भी प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर, मतलब अब यहाँ पे गवर्नर की रिकमेंडेशन हो जाएगी। गवर्नर, स्टेट की बात करेंगे तो गवर्नर और हमारे देश की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट। आपको बताना है कि जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, उस लिस्ट को आप क्या बोलेंगे? रिसिडरी लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट है, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं? तो जनता बोलेगी सर जिस पे दोनों कानून बना सकते हैं, चाहे वो हमारा स्टेट हो चाहे वो हमारा सेंटर हो, वो है कॉन्करेंट लिस्ट जो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। ऐसे हमारे कितने 52 डिपार्टमेंट है जिसमें ये काम हो सकता है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन हो गया, जैसे कि हमारा क्या हो गया, जैसे कि एजुकेशन हो गया, ठीक है, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, ये दोनों के अंदर आता है, ऐसे 52 डिपार्टमेंट है। अगला क्वेश्चन है
किसी समय आपातकाल की घोषणा को रद्द कर सकते हैं कौन? निम्नलिखित में से किस समय आपातकाल की घोषणा को रद्द कर सकते हैं? यूनियन कैबिनेट, पीएम है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है? बताइए, किसी भी समय आपातकाल की घोषणा को रद्द कर सकता है। तो जनता, आपातकालीन अधिकार जो है, जो हमारे इमरजेंसी को लगाने का और हटाने का अधिकार है, वो प्रेसिडेंट के पास है। लेकिन अगर ये पार्लियामेंट में एक बार लग गई तो हमारे 6 महीने तक चलती है कौन सी? नेशनल इमरजेंसी, एनआई। एनआई का मतलब है नेशनल इमरजेंसी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडलों की संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती है? 10% ऑफ लोक पार्लियामेंट, 15% ऑफ पार्लियामेंट, 10% ऑफ लोकसभा या 15% ऑफ लोकसभा। हमारा अमेंडमेंट नंबर 91 क्या बोलता है? हमारा अमेंडमेंट नंबर 51 क्या बोलता है? जनता बोलेगी, सर यहाँ पर लोकसभा में जितने भी मेंबर है उसके सिर्फ 15% ही हमारे मंत्री बन सकते हैं। ये बात बोली गई, यहाँ पर जितने 4 बोल रहे हैं, जवाब उनका सही है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। ह्यूमन राइट कमीशन का टेन्योर कितना होता है? जनता बोलेगी, सर टेन्योर होता है हमारा 3 साल ह्यूमन राइट कमीशन का। याद रखिएगा, सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, नहीं पढ़ रहे कोई बात नहीं, टिक करके लगा लो सारे क्वेश्चन, कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा, रिवीजन तो अच्छे से हो ही जाएगा। ग्राम पंचायतों का गठन ये कहाँ पर पढ़ोगे? 39 में, 40 में, 44 में, 51 में। ग्राम पंचायतों का गठन जो है कहाँ पे पढ़ोगे? अभी तक बेटा 11 बज गए, 200 बच्चे नहीं हुए, ठीक है, कल क्लास नहीं लूंगा मैं, कल मैं कोई मैराथन क्लास नहीं लूंगा, आराम करूंगा, ठीक है, सही है ना भाई? तुम लोग यहाँ पढ़ ही नहीं रहो आजकल, 200 बच्चे नहीं हुए, जल्दी से यार 200 लोग हो जाते हैं, है ना, जल्दी जल्दी देखो कितने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। आर्टिकल नंबर 40 को हम लोग ऑर्गेनाइज ग्राम पंचायत बोलते हैं। याद रखिएगा, ये हमारा सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब समान न्याय संहिता, और 51 में फॉरेन इंटरनेशनल पीस, या इसी को हम लोग फॉरेन पॉलिसी भी बोलते हैं, ठीक है ना भैया। 39 को हम लोग बोलते हैं इक्वल जस्टिस एंड लीगल एड, सभी को हमारे बराबर न्याय और लीगल एड मिलेगा फ्री में, फ्री एंड इक्वल लीगल एड। परमाणु के अंदर, एक परमाणु के अंदर प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन जो बल लगाता है उसको क्या बोलते हैं? टाइडल फोर्स है, ग्रेविटेशनल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, या न्यूक्लियर फोर्स है? जल्दी से, 200 बच्चों में 8 बच्चे कम है, जल्दी हो जाते हैं भैया। जनता बोल रही है इसका सही जवाब होना चाहिए, हमारे परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बल लगाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, जो सबसे स्ट्रांग होता है पूरे दुनिया में, सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स यही है, ठीक है, स्ट्रांगेस्ट फोर्स यही है। और सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है? सबसे वीकेस्ट फोर्स जो है वो हमारा ग्रेविटेशनल है, ठीक है। आगे चलते हैं, हमें आपको बताना है कि आवर्त सारणी में सबसे कम प्रतिक्रियाशील तत्व तो कौन से हैं? अल्कली मेटल है, अल्कलाइन है, ट्रांजिशन है, नोबल गैसेस है। सबसे लेस रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव कौन से हैं? जनता बोले कि सबसे लीस्ट रिएक्टिव, जो सबसे कम रिएक्टिव करते हैं, साधारण चुपचाप से बैठे रहते हैं, वो है हमारे हीना नीना का एक्सरे, हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ये नोबेल गैसेस बोली जाती हैं। यहाँ पे 4 नंबर सही जवाब है। यहाँ पे आपको बता दें कि विच ऑफ द पैरामीटर एसोसिएट विद द केमिकल बॉन्डिंग, हमारे जो केमिकल बॉन्डिंग है उससे कौन सा तत्व जुड़ा हुआ है? बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, या ये सभी के सभी? भैया केमिकल बॉन्डिंग, सैचुरेशन के लिए जब आपस में कोई बॉन्डिंग होती है उसको केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं, और ये सभी के सभी तत्व इससे जुड़े हुए हैं। आगे चलते अगला क्वेश्चन क्या जाता है, लैक्टिक एसिड कहाँ होगा? टमाटर में, पोटैटो में, अनटेस्टिंग मिल्क। इजी क्वेश्चन है, लैक्टिक एसिड कहाँ पे होता है? जनता बोले सर लैक्टिक एसिड जो है मिल्क में होता है, दूध में होता है। टोमेटो में कौन सा होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड टमाटर में होता है। अनटेस्टिंग में जो कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड यहाँ पे अनटेस्टिंग में आपको देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न को बनाते हैं, कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है, सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव, एकदम भना भन तरीके से? कॉपर, कैल्शियम, आयरन या जिंक, इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा है? तो गाइस रिएक्शन का जो हमारा रेट होता है, इलेक्ट्रो हमारी जो केमिकल सीरीज होती है, जो जितना ऊपर है हाइड्रोजन के उतना ज्यादा हमारा रिएक्टिव है। मतलब आप लोगों को बता दें, यहाँ पर लीक, लिथियम, कैल्शियम, लीक बासर का, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। कैल्शियम के ऊपर टिक करो, नंबर लेके जाओ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक एलोट्रोप है कार्बन का? मीथेन है, फ्लोरीन है, ग्रेफाइट है, या हमारा हीरा है? कौन सा नहीं है, एलोट्रोप नहीं है? तो बेटा इजी क्वेश्चन हो गया ये, तो ये तीनों के तीनों एलोट्रोप होंगे मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मीथेन एलोट्रोप नहीं है, ये इसका कंपाउंड है कार्बन का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भाप बिजली संयंत्रों में किस ईंधन का अधिकतर प्रयोग करते हैं?
जो हमारा स्टीम पावर प्लांट है, पेट्रोल का इस्तेमाल करोगे, कोयले का, नेचुरल गैस या ऑयल, यहाँ पे आप किसका इस्तेमाल करोगे? स्टीम पावर प्लांट का। जनता बोलेगी सर स्टीम पावर प्लांट जो है उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोयले का, कोल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे दो नंबर जितना बोल रहे हैं जवाब सही है। एंटासिड सब्सटेंस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी इन स्टमक, ये हमारे कौन से होते हैं? कास्टिक सोडा है, कास्टिक पोटास है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या लूनर कास्टिक है। तो गाइस एंटासिड खासतौर पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारे बोले जाते हैं MgOH का होल ट्वाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या हमारा क्या बन गया? तीन नंबर ऑप्शन बन गया। अगला प्रश्न बनाते हैं, लेंस की प्रकाशी शक्ति का मात्रक क्या होता है? लेंस जो होता है उसकी प्रकाशी शक्ति का मात्रक क्या है? मीटर है, डायोप्टर है, वॉट है, या हमारा सेंटीमीटर है? लेंस। यहाँ पर जनता बोलेगी सर फोकस दूरी का क्या कर दीजिए? 1/2 कर दीजिए। मीटर में फोकस दूरी है, डायोप्टर आ जाएगा, डायोप्टर बोलने वाले सही जवाब दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से गति का समीकरण नहीं है, ये आपके सामने लिखे हुए हैं, कौन सा नहीं होना चाहिए? टिंग 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 टिंग, पहला, दूसरा, तीसरा। मैं गति के तीन समीकरण होते हैं, ये वाला नहीं है भैया, ये तीनों के तीनों है, पहला वाला ही नहीं है, टिक कर दिया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, उपग्रह और पृथ्वी के बीच में आकर्षण गुरुत्वाकर्षण को जन्म देता है। एक उपग्रह और पृथ्वी के बीच में आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल क्या जन्म देता है? टेंशन है, प्लैनर फोर्स है, सेंट्रीपिटल है या सेंट्रीफ्यूगल है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ गिव द, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी चीज अगर घूम रहा है किसी के चारों तरफ, उसके बीच में जो ये 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 बल लग रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। F बराबर mv स्क्वायर अपॉन r, ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये अल्फा जो है, जो हमारे SSC के एग्जाम में पूछा गया था आज से 3-4 साल पहले, ये अल्फा क्या है? ये हमारा है क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण है, इसकी वैल्यू होती है v स्क्वायर अपॉन r, एग्जाम में पूछा गया था भैया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। प्रेशर इज अ क्वांटिटी, प्रेशर जो है वो कैसी क्वांटिटी? वेक्टर है, स्केलर है, बेस है, स्पेस क्वांटिटी है? प्रेशर की बात कर रहे हैं, जल्दी जनता जवाब देगी। जनता बोलिए सर प्रेशर जो है ये हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर जितने लोग बोल रहे हैं जवाब सही है, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगला क्वेश्चन है, पावर इज डिफाइंड, पावर को आप क्या बोल सकते हैं? जवाब दीजिए जरा, आपके सामने है। यहाँ पर जनता बोलिए सर पावर जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, अगर हम काम करने की दर को समय के साथ डिवाइड कर दे तो यही होता है, यही होना चाहिए रेट ऑफ डूइंग वर्क। जितने लोग एक नंबर बोल रहे, नंबर सही है, इसकी यूनिट होती है वाट। अगला क्वेश्चन क्या है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति को क्या बोलेंगे? 20 हर्ट्ज से जो हमारी कम आवृत्ति है, 20 हर्ट्ज से जो कम आवृत्ति, इसको क्या बोलेंगे? जल्दी जवाब दो। जनता बोलेगी सर ये हमारी जितनी भी 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति है, इसको हम लोग बोलेंगे इंफ्रासोनिक, और 20,000 हर्ट्ज से जो ज्यादा की आवृत्ति है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? अल्ट्रासोनिक। ठीक है, इंफ्रा एंड अल्ट्रा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंफ्रा के बाद अगला क्वेश्चन आता है, हमारे यहाँ पर हीट की SI यूनिट क्या होती है? लक्स होती है, टेस्ला होती है, जूल होती है, फैराड होती है? SI यूनिट ऑफ हीट, जल्दी से। जनता बोलेगी सर सही जवाब होना चाहिए, जितने लोग बोल रहे हैं सर जूल होना चाहिए, जूल जूल जूल, जितने लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही, फैराड कैपेसिटेंस की होती है, कैपेसिटेंस की फैराड होती है। टेस्ला की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की होती है टेस्ला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? UV and F, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। तो गाइस अगर हम लोग मिरर का फॉर्मूला देखेंगे तो मिरर का होता है 1/F = 1/U + 1/V। ठीक है, लेकिन अगर लेंस में देखेंगे तो माइनस निशान यहाँ पे आ जाएगा। अरे क्या हो गया, मतलब ये वाला आ जाएगा माइनस, ये है मिरर के लिए, मिरर फॉर्मूला है, और लेंस का है ये वाला। चलिए अगला प्रश्न बना लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा एक रेडियो धर्मी क्षय का मोड नहीं है? विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट मोड ऑफ रेडियो एक्टिव डिके? पॉजिट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, फ्यूजन है, या अल्फा डिके? यहाँ पे जनता बोली है सर सही जवाब होना चाहिए हमारा फ्यूजन। फ्यूजन जितने लोग बोल रहे हैं, रेडियो एक्टिव डिके का हमारा मोड नहीं है, फ्यूजन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? बुस्नेल ने किया था, वॉट ने, हैरिसन या लेनेक ने? स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है, जिससे दिल की धड़कने सुनी जाती है वो है आपका स्टेथोस्कोप। जनता बोले है सर सही उत्तर होना चाहिए, हाँ
यहाँ पे जनता बोले इसका सही उत्तर होना चाहिए रेने लेनेक, लेनेक ने इसका खोज किया था। आपको बताना है कि ए बायोटिक कंपोनेंट इनमें से कौन से हैं, रॉक, प्लांट और सॉयल, ये तीन आपको उदाहरण दिए गए और पूछा गया ए बायोटिक कंपोनेंट बताइए। है ना, ए केवल एक है, बी में दो है, बोथ है या हमारे सारे के सारे है? तो भाई देखिए हमारे दो तरीके का कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक, बायोटिक का मतलब होता है हमारे जिनमें जीवन है, ए बायोटिक का मतलब होता है जिनमें जीवन नहीं है। तो बायोटिक कंपोनेंट हमारे जितने भी जीवन वाले प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, ये सब आ जाएंगे, और ए बायोटिक में मिट्टी, चट्टाने आ जाएंगी। तो केवल हमारे एक और तीन, तीन नंबर ऑप्शन सही है, बाकी के सब गलत है। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विश्व में हमारे वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऑटोमोबाइल्स है, इंडस्ट्रीज है, हाउस होल्ड वेस्ट है या एयरक्राफ्ट है? सबसे बड़ा एयर पोल्यूशन का सोर्स क्या है बताइए। जनता बोली है सर हमारे यहाँ पर एयर पोल्यूशन का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है हमारे ऑटोमोबाइल वाहन, जो हमारे वाहन है सबसे बड़ा सोर्स है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा कथन सही है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के बारे में कौन सा सही है? ये हमारे मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रीमियर एक्सपोर्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, बैंक प्रोवाइड असिस्टेंट इन हेल्पिंग द इंडियन फर्म्स है, इट वॉज एस्टेब्लिश इन 2014 अंडर द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। तो भैया देखिए सबसे पहले तो हमारा जो एक्जिम बैंक है ये 1982 में बना था एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, 2014 लिखने वालों गलत है ये बात। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे 2014 लिख करके हमने आगे बढ़ गए। रिजर्व बैंक, इस बैंक की स्थापना कौन से वर्ष में की गई? 25 में, 39 में, 45 में, 35 में? आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमेटी के रिकमेंडेशन पर, हिल्टन यंग कमेटी के रिकमेंडेशन पर इसकी स्थापना की गई थी, और की गई थी हमारे कब? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 1 अप्रैल 1935 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व बैंक का सबसे बड़ा सहयोगी संगठन कौन सा है? विश्व बैंक का सबसे बड़ा, यहाँ पे IMF है, एशियन डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट एसोसिएशन है या इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है? तो गाइज यहाँ पे अगर देखेंगे सबसे बड़ा विश्व बैंक का जो सहयोगी संगठन है उसका नाम है डेवलपमेंट एसोसिएशन, है ना। इसके पांच संगठन है, इसमें सबसे बड़ा है डेवलपमेंट एसोसिएशन जो 0 रेट पे हमारा ब्याज देता है। मौद्रिक नीति का जो रेगुलेटर है वो कौन है? हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, आरबीआई है, दोनों है, फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई दोनों है। हमारे यहाँ पर मौद्रिक नीति जो है वो किसके द्वारा चलाई जाती है? यहाँ पे जनता बोली है सर मौद्रिक नीति जो है ये आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जाती है। तो आरबीआई बोल रहे हैं, जवाब उनका सही है। SLR का पूरा नाम क्या है? SLR का स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या सिंपल लिक्विडिटी रेशियो है, सिंपल लिक्विडिटी रोस्टर है, सिंपल लैंडिंग रेशियो है। तो भैया SLR का फुल फॉर्म क्या होगा? जनता बोलेगी सर SLR का फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कहां पर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, तीन नंबर इज राइट आंसर, तीन जितने लोग बोले जवाब सही है। किस वर्ष में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन विधेयक पास किया गया था? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर? यहाँ जनता बोलेगी सर सही उत्तर होना चाहिए 2000 में हमारा फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट को लागू किया गया था। When inflation is done double digit, जब हमारे यहाँ पर inflation डबल डिजिट में पहुंच जाए 10% 15%, तो आप इसको क्या बोलेंगे? गैलोपिंग है, लो है, हाइपर है या डिसइन्फ्लेशन है? क्या बोल देंगे इसको? जनता बोले है सर इसको हम लोग बोल देंगे, बिल्कुल आप लोग सही समझ रहे हैं, गैलोपिंग, उछल करके चल रही है बहुत तेजी से। लेकिन अगर ये उससे हमारे 20% से भी ज्यादा पहुंच जाती है तो हाइपर इन्फ्लेशन इसको बोल देते हैं, अनकंट्रोलेबल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा में कितनी भाषाएं होती हैं? 12, 15, 10 या हमारे 17? जनता बोलेगी सर भारतीय जो हमारी मुद्राएं हैं उसके ऊपर जो भाषाओं की संख्या होती है, ये देखिए यहाँ जनता बोलेगी सर 17 भाषाएं होती हैं, 15 जो है ये हमारे इस पैनल पर लिखी रहती हैं, और एक हिंदी में होती है और एक इंग्लिश में होती है, टोटल 17 है। पैनल पर 15 होती है हिंदी और इंग्लिश, टोटल 17 लैंग्वेजेस है। आपको बताना है यहाँ पर राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड कॉर्पोरेट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जनता यहाँ पर बोलेगी सर सही उत्तर होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे जनता बोलेगी पर्सनल इनकम, यहाँ पर पर्सनल इनकम बोलेंगे इसको। ठीक है, पता नहीं क्या पूछना चाह रहे कंप्यूटर जी यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारत में शेयर बाजार को कौन रेगुलेट करता है? आप लोगों ने बताया कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जो है, हमारे मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई रेगुलेट करता है, शेयर बाजार को कौन रेगुलेट करता है? तो शेयर बाजार को रेगुलेटर का नाम आपको बताना, आरबीआई या सेबी है,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द नॉ फेवर है। यहाँ पे जनता बोलेगी सर शेयर बाजार को रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है CEIS, इसमें आई का मतलब क्या है? CEIS में आई का मतलब क्या है? दोस्तों यहाँ पर जितने भी बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से जवाब दे रहे हैं, एग्जाम आ चुके हैं बिल्कुल, और रिवीजन करने के लिए काफी बढ़िया तरीके से जनता जवाब दे रही है। यहाँ पे सही जवाब क्या होना चाहिए? यहाँ पे सही सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, यहाँ पे इंडिया जितने लोग बोल रहे हैं जवाब सही है। तो गाइज यहाँ पर हमारे एसएससी का सीजीएल का लाइव मेगा मॉक चल रहा है, लाइव मेगा मॉक, तो गाइज उसी से कुछ प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर ये मॉक कहाँ पर दे सकते हो? जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, आप लोगों को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप लोग ये वीडियो यहाँ पर देख रहे हैं textbook.com में जाकर के, यहाँ पर लगभग इतने सारे बच्चे जो है वीडियो को देख रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में हमने यहाँ पर टेक्स्टबुक पास का जो है ये हमने दे रखा है, यहाँ पे आप यहाँ पर जाएंगे एसएससी सीजीएल, ये आपके आप लोग अगर ऐप इंस्टॉल किए तो वहां पर भी आपको ये सुविधाएं मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप टेक्स्टबुक पास के जरिए इतने सारे एग्जाम दे सकते हो, इसी में एसएससी सीजीएल का एग्जाम भी आपका आता है। देखिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं एसएससी सीजीएल, जैसे आप यहाँ पे डालेंगे आपका ये एग्जाम, यहाँ पे इसके देखिए कितने सारे टेस्ट हैं एसएससी सीजीएल, देखिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज देखेंगे भाई साहब। तो एसएससी की जो टेस्ट सीरीज है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सीजीएल की 369 टेस्ट है, जिसमें से अभी आपके जो है वो लाइव टेस्ट चल रहे हैं, जिसमें आप एकदम एग्जाम एनवायरमेंट जैसा टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। लाइव टेस्ट जो है वो चल रहा है, जिसमें आप एग्जाम एनवायरमेंट जैसा टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज भी मिल रहा है, इसके लिए आपको इसमें एनरोल करना पड़ेगा, बहुत ही नॉमिनल सी कीमत है। और इसके साथ साथ आप जो है वो ये देखिए लाइव टेस्ट में यहाँ पर देख लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पर लगभग 12,000 लगभग 9,000 यूजर जो है ये मिनी लाइव टेस्ट को दे रहे हैं, है ना, 40 क्वेश्चन वाले, तो ये आप दे सकते हो। ये फ्री में भी है, फ्री में आने के लिए आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्टार्ट करने के लिए मोबाइल नंबर और बाकी की चीजें आपको डालनी पड़ेगी, जैसे कि आपका डिटेल वहां पर आपके फेच करके आपको यहाँ पर देने का मौका मिले। अगर आप यहाँ पे पूरे देना चाहते हैं तो आप देखिए कितने तो फ्री में है, फ्री वाले तो दे ही दीजिए, लेकिन आप चाहते हैं कि हम यहाँ पे इनरोल करें, तो इनरोल करने के लिए भी आपके पास बहुत बढ़िया सा ऑफर है। आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पर इस तरीके से जाइए, और ये हमने यहाँ पर कूपन कोड लगाना है, क्या कूपन कोड लगाना है, PAC, ये देखिए हमने लगाया PASS, जैसे ही लगाएंगे यहाँ पर आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब 399 वाला जो आपका है वो आपको 360 में मिल जाएगा, और वीकेंड में आप ले रहे हैं तो 12+2 मतलब 14 महीने का आपको ये मिल जाएगा। तो बढ़िया चीज है, एनरोल कर लीजिए बढ़िया से और लगाइए, ठीक है। चला जाए भैया आगे, जाने वाले जो बच्चे थे चले गए हैं, हम चाहते हैं यार जितने लोग हैं पूरा क्वेश्चन लगाएं, हम इसलिए चाहेंगे भैया कम हो जाए, 50 बच्चे हो जाए, क्योंकि तुम लोग तो टिक करके पढ़ रहे हो, मंडे से वैसे भी तुम लोगों की क्लासेस बंद कर रहे हैं 10:30 वाली, बच्चे क्योंकि अपना जुनून नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे आपके पास है आयात और निर्यात के बराबर होता है तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है? अगर हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों बिल्कुल बराबर है तो कौन सा कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा? GDP बराबर GNP के है, GDP GNP के बराबर है, GDP GNP से छोटा है, तो यहाँ पर देखो आयात निर्यात के बराबर है तो GDP GNP के बराबर है, डोमेस्टिक और नेशनल इनकम दोनों बराबर है, जितना पैसा जा रहा बाहर उतना पैसा अंदर आ रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो GDP GNP के बराबर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है SDG इंडिया इंडेक्स डेवलप बाय, हमारे यहाँ पर जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है ये हमारे कौन बनाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है, वर्ल्ड बैंक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, या नीति आयोग है, बताइए क्या होना चाहिए? क्या जनता बोल रही है? सर नीति आयोग, जितने लोग नीति आयोग बोल रहे हैं जवाब उनका सही है,
नीति आयोग इज राइट आंसर, यहाँ पे चार नंबर जितने हम बोल रहे हैं सही जवाब है। आठवीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है? 90 से 95, 85 से 90, 95 से 2000, 92 से 97। आठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जानकारी जानना चाह रहे हैं। तो गाइज अभी तक हमारे यहाँ पे टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई है, जो अंतिम वाली थी 2012 से 2017 के बीच में थी। उसके पहले अगर हम लोग 11वीं की बात करेंगे तो हमारे 2000 कहां से, 2007-5-12 है ना, ये हो जाएगी हमारे। उसके पहले अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे 10वीं पंचवर्षीय योजना हमारे और 7 में से कम कर दिए, 2002 से लेकर के 2000 हमारे कितनी हो जाएगी, 7 तक थी। 9वीं की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पर हमारी कितनी हो जाएगी, तो 1997 से लेकर के हमारे 2002 तक थी। अब 8वीं आ गई है, 8वीं पंचवर्षीय योजना, अब आप लोगों को पता ही चल गया होगा 92 से 97 तक। भैया इस तरीके से भी एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है, बना सकते हैं। देखो हमने बना लिया सारा, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, बढ़िया है। तो यहाँ पे 92 से 97, यहीं पर हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ये मॉडल आया था, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लंबे समय तक बेरोजगारी के लिए एक अन्य शब्द क्या है, मतलब लंबे समय तक है, क्रोनिक है, कैजुअल है, साइक्लिक है, वॉलेंट्री है। सर ने पूछा लंबे समय तक अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, तो भैया यहाँ पर हिंदी में जब जाओगे तो आपको आसानी से दिख जाएगा, दीर्घकालिक क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट। कैजुअल का मतलब अचानक है, साइक्लिक का मतलब है आता है कभी मिलता है रोजगार कभी नहीं मिलता, वॉलेंट्री का मतलब है अपनी इच्छा ही नहीं काम करने की। आपको पता ना नाबार्ड इनमें से हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने मिलेगा, दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता, मुंबई, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जनता बोलेगी सर नाबार्ड नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, ठीक है, बैंक फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एनए से नेशनल है, ठीक है, नेशनल है, बी से बैंक है, किस लिए, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। 1982 में खोला गया था शिवारामन कमेटी के रिकमेंडेशन पर, मुंबई में हेडक्वार्टर है। मुद्रा आपूर्ति के लिए इनमें से कौन सी दरें हैं, इंक्रीज इन द मनी सप्लाई विल कॉजेस द रेट इंटरेस्ट राइज फॉल रिमेन अनचेंज्ड या नन ऑफ दीज। अगर मुझे मनी की सप्लाई को इंक्रीज करना है तो मुझे इंटरेस्ट रेट क्या करने पड़ेंगे, है ना, कम करने पड़ेंगे, CRR की वैल्यू कम करनी पड़ेगी, SLR की वैल्यू कम करनी पड़ेगी, जिससे कि बैंकों के पास और अपने पास जो है वो प्रॉपर्टी ज्यादा ना रखें, है ना, कम रखें और मार्केट में सप्लाई ज्यादा पहुंच जाए। आगे चलते हैं, नो सेलिंग कॉस्ट अंडर, देयर इज नो सेलिंग कॉस्ट अंडर, किसके अधीन विक्रय मूल्य नहीं होता है, मोनोप्लास्टिक है, परफेक्ट कंपटीशन है, डियोपॉली है, या बोथ वन एंड टू है, चलिए बताइए। यहाँ जनता बोलेगी सर सही जवाब होना चाहिए बोथ वन एंड टू, मोनोप्लास्टिक एंड परफेक्ट कंपटीशन, इनमें हमारा नो सेलिंग कॉस्ट अंडर है, ठीक है, अधीन विक्रय के मूल्य नहीं होता है। यजुर्वेद के ब्राह्मण को आप किसके रूप में देखेंगे, ऐत्रे, कौस्तिकीय, गौपथ है या सतपथ है? तो हमारे ब्राह्मण होते हैं जो कि अध्ययन करते हैं वेदों का, आप बताना है कौन है हमारे यजुर्वेद, द बुक ऑफ सेक्रीफाइस के। यहाँ जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया है कि सर सही जवाब होना चाहिए सतपथ ब्राह्मण, जितने यहाँ पे सतपथ ब्राह्मण बोल रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, ये हमारे रिचुअल्स और सेक्रीफाई को पढ़ते थे, सतपथ ब्राह्मण इज राइट आंसर, है ना। चलिए आगे चलते, अगला क्वेश्चन क्या आता है, चिनाब का ऋग्वेदिक नाम क्या था, विस्तृता, पारुषणी, विपासा या अस्किनी। ये हम लोगों ने शुरू में क्वेश्चन किया था थोड़ा सा, देखे ठीक है, जनता बोली है सर सही जवाब होना चाहिए अस्किनी, विस्तृता झेलम नदी का नाम है, झेलम नदी का नाम विस्तृता है, पारुषणी जो है रावी नदी का नाम है, विपासा जो है व्यास नदी का नाम है, और अस्कनी जो है ये चिनाब नदी का नाम है। अगला क्वेश्चन है, विजयवाड़ा में किस चीनी विद्वान ने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, के विपिंग है, जूंग जांग है, डोंग ज्यांसू है, डोंग फेंग स्याउ है। तो यहाँ पर किस चीनी स्कॉलर ने विजयवाड़ा में हमारे ग्रंथों का अध्ययन किया, जनता बोलेगी डोंग फेंग स्याउ, डोंग फेंग स्याउ इज राइट आंसर। पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया गया, अशोक है, बिंबिसार है, उदयन है, या महापद्मानंद है। तो पाटलिपुत्र के को मगध की राजधानी के रूप में किसने बनाया था, जनता फिर से जवाब दे रही है सही जवाब होना चाहिए
उदाइन, उदाइन इज राइट आंसर, उदाइन जितने बोले हैं जवाब उनका सही है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के काल के लोगों की भाषा क्या थी, वॉट इज द लैंग्वेज ऑफ मौर्यन एम्पायर पीपल, संस्कृत थी, पाली थी, उर्दू थी, पर्सियन थी। तो मौर्य साम्राज्य के लोग जिसकी स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, उनकी भाषा क्या थी, जनता यहाँ पर बोली है सही उत्तर होना चाहिए, मेरे को भी लग रहा है भैया संस्कृत कई लोग बोल रहे हैं गलत है, पाली लैंग्वेज होना चाहिए, पाली जो है ये बौद्धिज्म में बोली जाने वाली भाषा थी, तो बौद्ध धर्म इनके शासनकाल में बहुत चला था, यहाँ पे आप पाली बोलिए। हूणों के आक्रमण को किस गुप्ता शासक ने कम कर दिया था, मतलब खदेड़ दिया था, तो हूणों के आक्रमण को किसने कम किया था, जनता जल्दी से बताइए, ये बोल सकते हैं अंतिम शक्तिशाली ब्राह्मण थे, ठीक है, अंतिम शक्तिशाली ब्राह्मण राजा थे जिनका नाम था स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त सही जवाब है, हूणों के आक्रमण को स्कंदगुप्त ने कम किया था। हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध में कौन सा कथन सही है, फाहियान हिंदुस्तान में आए थे, हर्षचरित्र जो है कल्लड़ ने लिखी थी, ह्वेनस्यांग जो है ये हमारे हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, एहोल का इंक्रिप्शन पुलकेशिन सेकंड में के बारे में बताता है, हर्षवर्धन डिफीटेड द चालुक्य पुलके चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकंड, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हमारा सही है, जनता बोलेगी सर सही है केवल तीसरा नंबर, ह्वेनस्यांग भारत में आए थे इनके पीरियड में, फाहियान नहीं आए थे, कल्लड़ ने नहीं लिखी हुई है ये, बाणभट्ट ने लिखी हुई है, और एहोल में उल्टा लिखा हुआ है, ये उल्टा इनसे हार गए थे। अगस्तस का मंदिर किस स्थान पर बनाया गया है, मुजारिस, पुहार, उदरई या मदुरई, उदयपुर या मदुरई, अगस्तस का मंदिर, यहां जनता बोले सर सही जवाब होना चाहिए, मुजारिस इज राइट आंसर, मुजारिस सही जवाब है, यहां पर अगस्तस का मंदिर बनाया गया है। तो अगला है, महमूद गजनबी ने भारत के खिलाफ कितने अभियान चलाए, 14, 17, 19 या 21, महमूद गजनबी ने भारत में कितने आंदोलन चलाए हैं, जनता बोलिए सर 1000 से लेकर 1026 तक 17 बार अटैक किए थे महमूद गजनबी ने, सबसे फेमस अटैक है सोमनाथ का। चहलगानी जो प्रथा है ये किसने खत्म की थी, खत्म करने की बात यहाँ पे पूछी जा रही है, बलबन ने, इल्तुतमिश ने, खिलजी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने, यहाँ पर चहलगानी जो प्रथा है ये किसने खत्म की थी, यहाँ पे जनता बोल रही है सर चहलगानी सिस्टम घियासुद्दीन बलबन ने यहाँ पे खत्म की थी, चहलगानी प्रथा को खत्म करने वाले बलबन थे। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के हम्पी खंडहर विजयनगर शासकों के सांस्कृतिक योगदान की जानकारी देते हैं, वर्तमान में हम्पी किस राज्य में पड़ेगा, महाराष्ट्र में, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, बताना है आपको क्या होना चाहिए जवाब, यहाँ पे सही जवाब है कर्नाटक, कर्नाटक इज राइट आंसर, कर्नाटक यहाँ पे सही उत्तर है। बाबर का मकबरा इनमें से किस स्थान पर स्थित है, आगरा, काबुल, कंधार या इस्तांबुल, बाबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है, यहाँ जनता बोलेगी सर बाबर का मकबरा अभी काबुल में है, पहले ये आगरा में था, इसको शिफ्ट कर दिया गया काबुल में। मराठा साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में किस वर्ष में प्रतिस्थापित कर दिया गया, मराठा एम्पायर रिप्लेस्ड बाय द ब्रिटिश एम्पायर 1843, 1828 या 1819, बताइए, चलिए बढ़िया, जनता बोलिए सर 1818 में प्रतिस्थापित किया था मराठाओं को। ब्लू वाटर जो टेक्नोलॉजी है ये किस यूरोपियन कंपनी द्वारा अपनाई गई, डच है, पोर्टुगीज है, इंग्लिश है या फ्रेंच है, ब्लू वाटर जो हमारी पॉलिसी है वो किसने अपनाई थी, यहां जनता बोली है सर सही जवाब है पोर्टुगीज, पोर्टुगीज जितने बच्चे बोल रहे जवाब उनका सही है। 1956 में किस स्थानीय शासक ने सिराजुद्दौला से किस शहर को जीता था, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास या कोलकाता, अंग्रेजों ने 1756 में स्थानीय शासक सिराजुद्दौला से किस शहर को जीता था, यहां जनता बोली है सर सही जवाब होना चाहिए कोलकाता, कोलकाता जितने लोग बोल रहे हैं जवाब उनका सही है। आर्य समाज के संस्थापक कौन है, दयानंद सरस्वती, पंडिता रमाबाई, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, तो भैया यहाँ पे आर्य समाज के संस्थापक है उनका नाम है
स्वामी स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती इज राइट आंसर। जितने लोग बोले जवाब सही। 1857 का जो विद्रोह है ये एक वर्णन किसने किया है, यहाँ पे शहादत हसन मंटो है, मिर्जा गालिब है, मीर ताकी मीर है, शेख इब्राहिम सोख है। जनता बोलेगी सर 1857 के विद्रोह मिर्जा गालिब ने इसका वर्णन किया है अपनी कविताओं में, मिर्जा गालिब इज राइट आंसर। बंगाल के विभाजन को किसके द्वारा समाप्त किया गया था, हार्डिंग के द्वारा, विलियम बैंकिक, लॉर्ड कैनिन या लॉर्ड लिटन। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा समाप्त किया गया था, बंगाल के विभाजन की समाप्ति की बात कर ले, ये हमारे 1905 में आया था और समाप्त किया था, बिल्कुल सही है, लॉर्ड हार्डिंग ने, लॉर्ड हार्डिंग ने इसकी समाप्ति की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर और कब की गई थी, ढाका, लखनऊ, लाहौर या कलकत्ता। 1906 में सलीमुल्लाह खान और सर आगा खान ने इसको बनाया था, आगा खान और सलीमुल्लाह खान ने, और ये बनाया था ढाका में, याद रखिएगा, सही जवाब है एक नंबर। कांग्रेस के खिलाफत स्वराज पार्टी के पहले सचिव कौन थे, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या मुख्तार अहमद अंसारी। कांग्रेस के खिलाफत स्वराज पार्टी के पहले सचिव कौन थे, तो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, उनका नाम था मोतीलाल नेहरू, सी आर दास इसको बनाने वाले थे। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने जिला स्तर पर दीवानी और फौजदारी अदालतों की शुरुआत की है, कार्नेवलिस है, वॉरेन हेस्टिंग है, वेलेजली है, लॉर्ड हेस्टिंग है। किस गवर्नर जनरल ने जिला स्तर पर दीवानी और फौजदारी अदालतों की शुरुआत की थी, तो गाइस उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग, इन्होंने ही सबसे पहले शुरुआत की थी फौजदारी और दीवानी रियासतों के, ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न आपको देखने मिलेगा, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज हेडेड बाई हूम। इनमें से हमारे यहाँ पे प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किसने किया था, अल्लादी कृष्ण नैयर थे, सरदार पटेल, जेबी कृपलानी या हमारे भीमराव अम्बेडकर। तो गाइस प्रांतों को एक करने की जिम्मेदारी हमारे देश के आयरन मैन को दी गई, इनका नाम था सरदार पटेल, दो नंबर जितने बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। जेबी कृपलानी जो है ये क्या थे, तो ये हमारे वाइस चेयरमैन ऑफ फंडामेंटल राइट कमेटी थे, फंडामेंटल राइट कमेटी के वाइस चेयरमैन थे, है ना। हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर साहब को क्या बोलते थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कथन संसदीय एवं अध्यात्मक शासन प्रणाली इनमें से कौन सा सही है, पार्लियामेंट्रियन प्रेसिडेंटियल गवर्नमेंट सिस्टम किसके लिए सही है, बोथ एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, इन बोथ चीफ एग्जीक्यूटिव इज नॉमिनल हेड, इन बोथ एग्जीक्यूटिव हैज टू हैव कॉन्फिडेंस लेजिस्लेटर टू कंटिन्यू इन गवर्नमेंट, बोथ सिस्टम इज आपके हैं रिप्रेजेंटेटिव। आराम से पढ़िए जवाब दीजिए, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंटियल गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में बताइए भैया। यहां पर सही है, बोथ सिस्टम इज आर रिप्रेजेंटेटिव, दोनों के अपने अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट में गवर्नमेंट होती है, पूरी की पूरी कैबिनेट सिस्टम होता है जिसका हेड पीएम होता है, जबकि प्रेसिडेंटियल में प्रेसिडेंट जो है हमारा हेड होता है। हु अपॉइंटेड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया जाता है, बी एन राव, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, सर एच सी मुखर्जी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त करते हैं, तो यहाँ पे जनता बोलेगी सर हमारे जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष हैं उसके रूप में हम लोग नियुक्त करते हैं डॉक्टर हरीश चंद्र मुखर्जी को, सी नंबर, चार नंबर जवाब से। हमने किस देश के संविधान से समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया है, समवर्ती सूची का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये किस देश के लिए हमने अडॉप्ट किया है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, जैपनीज, साउथ अफ्रीका। कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ जनता बोलेगी सर ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए जहां से हमने इसको अडॉप्ट किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भारत के संविधान में किसने विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा लिए जाने वाले शपथ का विवरण है, ओथ फॉर्मेशन कहाँ पे, सेकंड में, फिफ्थ में, थर्ड में या फोर्थ में। तो भैया हमारे यहाँ पर जो 12 अलग अलग हमारी बोल सकते हैं कि हमारी क्या है शेड्यूल है, उसमें हमारे ओथ फॉर्मेशन सेकेंड नंबर पे है, ठीक है। ओथ हमारे जो अलाउंसेस एंड हमारे पर्क्स हैं ये सेकंड में है, ठीक है। फोर्थ में राज्यसभा के मेंबर का एलोगेशन है, राज्यसभा के मेंबर्स का एलोगेशन फोर्थ में है।
73वें संविधान संशोधन के तहत इनमें से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 12वीं है, 9वीं है, 8वीं है या 11वीं है? 73वें संविधान संशोधन के तहत इसमें कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? यहाँ जनता बोले ऐसा सही उत्तर होना चाहिए, हमारे 73वें संविधान संशोधन के तहत हमारी 11वीं अनुसूची जो है इसको ऐड किया गया था। 11वीं इज राइट आंसर, ठीक है, 11वीं सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता के बारे में बताता है? 44 है, 40 है, 39 ए है या 41 है? समान आचार संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो भाई डीपीएसपी का ये हिस्सा है और कौन सा बताएगा? फ्री एंड लीगल एड नहीं पूछ रहा, ये फ्री एंड लीगल एड, इक्वल लीगल एड ये नहीं होगा। पंचायत राज आ गया, ये नहीं होगा, है ना। पब्लिक असिस्टेंस ये भी नहीं होगा, सही जवाब हो जाएगा एक नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1948 में हैदराबाद पुलिस एक्शन का कोड नेम क्या था? जो हैदराबाद पुलिस एक्शन 1948 में हुआ था, हैदराबाद रियासत को हिंदुस्तान में मिलाने के लिए, ऑपरेशन पोलो, हार्स, निजाम या गोल? पोलो पोलो पोलो, ऑपरेशन पोलो सभी को याद है ना, ऑपरेशन पोलो बताया भी हुआ है। द राइट ऑफ सिटीजन फॉर द सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार को परिभाषित करता है। 5, 6, 7 या 8, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार को परिभाषित करता है। 5, 6, 7 या 8, जनता बोलेगी इसका सही जवाब होना चाहिए आर्टिकल नंबर 7। यहाँ पर बोलेंगे, नंबर लेंगे, घर जाएंगे, राजा बाबू बन जाएंगे। हमारा जो फोर्थ ए है, हमारा जो फोर्थ ए नंबर वाला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बताता है? फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, सुप्रीम कोर्ट है या इलेक्शन कमीशन है, किसके बारे में जानकारी देता है? फोर्थ ए। यहाँ जनता बोलेगी सर फंडामेंटल ड्यूटीज फोर्थ ए में आता है, फंडामेंटल राइट 3 में आता है, सुप्रीम कोर्ट 5 में आता है, इलेक्शन कमीशन 15 में आता है, ठीक है, ये सारे पार्ट है, तो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज टिक करो, बढ़ जाओ आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति के महाअभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? 52, 56, 61 या 54? कौन सा भारत के हमारे राष्ट्रपति के महाअभियोग से संबंधित है? यहाँ पे जनता बोलेगी इसका सही जवाब होना चाहिए आर्टिकल नंबर 61, 61 नंबर आर्टिकल सही जवाब है। यहाँ पे जितने 61 बोल रहे हैं जवाब सही है। राज्य के विधान परिषद को कौन समाप्त कर सकता है? सांसद, प्रेसिडेंट, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट? हमारा जो राज्य का विधान परिषद है इसको समाप्त कौन कर सकता है? जनता बोलेगी सर हमारे राज्य के विधान परिषद को जो खत्म करेगा उसका नाम है पार्लियामेंट, मतलब संसद इसको खत्म कर सकती है। आर्टिकल नंबर कौन से 69 के तहत खत्म किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के दूसरे उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने के लिए कौन अधिकृत होता है? चीफ जस्टिस है, स्पीकर है, प्रेसिडेंट है, पीएम है? हमारे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए कौन अधिकृत है? जनता बोलेगी सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके अलावा कोई नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट 214 नंबर आर्टिकल। आपको बताना कि धन विधेयक कौन पेश करता है? धन विधेयक पेश करने का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा दोनों के पास है। तो भैया अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ पर राज्यों की जो हमारे लोकसभा है और विधानसभा है ये दोनों ही सिर्फ पेश करेंगी, ये नहीं। विधानसभा, सॉरी, इनमें से कौन सा मामला राज्य सूची में आता है? पुलिस है, रेलवे है, साइबर कानून है या एडल्ट्रेशन है? तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे यहाँ पर जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, सिर्फ राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस, पुलिस जितने लोग बोल रहे हैं जवाब सही है। ये हमारे किसमें आता है? यूनियन लिस्ट में आता है, ये दोनों कॉन्करेंट में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 356 में इमरजेंसी को क्या बोलोगे? स्टेट है, नेशनल इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट रूल है या दोनों? एक और दो, दोनों बोल दोगे। तो अगर हम लोग 356 के तहत बात करेंगे तो जो हमारा इमरजेंसी है ये स्टेट इमरजेंसी के नाम से बोला जाता है, स्टेट इमरजेंसी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के पास कितनी संस्थाएं हैं? 1, 2, 3 या 4? हाँ, सरकार के पास कितनी संस्थाएं हैं अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारत के पास जो है, भारत सरकार के पास 3 संस्थाएं हैं। कौन कौन सी? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों संस्थाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 से 62, 6 से 65, 3 से 65
या ऐसा कोई हमारा प्रिस्क्राइब ही नहीं है। यहाँ पे जनता बोलेगी सच टर्म एज प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंटिल अटेन द एज ऑफ 65, मतलब 65 वर्ष की आयु हो जाए, चाहे वो 10 साल तक काम करे, चाहे 15 साल तक काम करे, 65 वर्ष अगर हो गई तो चचा रिटायर हो जाओगे, रिटायर हो जाओगे। यहाँ पे कोई ईयर नहीं डिसाइड किया गया कितने साल तक करेंगे। इनमें से आपको बताना है कि हमारे प्राथमिक असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होगा, प्रायोरिटी असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे तीन लेयर दी गई है, तीनों लेयर को अरेंज करो। विलेज लेवल पर कौन सी होती है, तो विलेज लेवल पर होती है हमारी ग्राम सभा, ठीक है। ब्लॉक लेवल पर कौन सी होती है, हमारे पंचायत समिति, और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, हमारा कौन सा, तो 2, 1, 3। अगला क्वेश्चन क्या है, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इनमें से किस विज्ञान ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड है, थॉमसन है, चैडविक है या डाल्टन है, किसने खोज की थी बताइए। जनता बोले कि इसका सही उत्तर होना चाहिए जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, चैडविक ने न्यूट्रॉन ने, एटॉमिक स्ट्रक्चर डाल्टन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त हैं, ग्रुप और पीरियड कितने, 7, 18, 18, 16, 16, 8, 7, क्या होना चाहिए। पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पीएच वैल्यू कितना है स्टमक का, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ स्टमक, 3.8, 1.8, 5.8 या 7.8। तो HCl हमारे जब भी एसिड होगा तो 7 से कम होगा, और जितना 7 से कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। धातुओं की चमक किसके कारण होती है, ड्यू टू हाई डेंसिटी, हाई पॉलिश, रिफ्लेक्शन होता है कि एब्जॉर्प्शन होता है, लेशर ऑफ मेटल बिकॉज ऑफ, जनता बोलेगी इसे सही उत्तर होना चाहिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, या फ्री इलेक्ट्रॉन भाग आ देते हैं, रिफ्लेक्शन होता है चमक। इलेक्ट्रॉन के मुक्त होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज हो रहे हैं क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडिएशन या दोनों, लॉक्स अभिक्रिया। गाइस अगर हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज द हमारा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यहाँ पर बोला जाता है, ऑक्सीडेशन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है गुड फ्यूल एंड द परसेंटेज मॉइस्चर कंटेन शुड बी लो, हाई, मॉडरेट, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन मॉइस्चर। यहाँ पे अगर अच्छे क्वालिटी का फ्यूल है तो नमी की मात्रा क्या होगी, तो भैया यहाँ पे जनता बोलेगी सर ये हमारी कम होनी चाहिए, जितनी कम नमी होगी उतना बढ़िया फ्यूल जलेगा, कम नमी के साथ फ्यूल बढ़िया जलता है। अमाइटल, नेबिटल एंड ल्यूमेन, ये हमारे किस दवाओं के बारे में बात कर रहे हैं, अमाइटल, नेबिटल एंड ल्यूमेन, एंटा एसिड है, ट्रिंकलाइजर्स है, एंटी फर्टाइल ड्रग्स है, या हमारे एंटी हिस्टामाइंस है। तो जनता क्या बोलेगी, ये सारे के सारे जितने भी हमारे नाम दिए गए दवाइयों के, ये ट्रिंकलाइजर्स है, ट्रिंकलाइजर्स का मतलब है निश्चेतक, जो कि आपके दिमाग को चिल कर देते हैं, जो कि डिप्रेशन, एंटी डिप्रेशन दवाएं हैं, ये एंटी डिप्रेशन पिल्स हैं। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की हमारी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम एम्पियर, ओम अपॉन मीटर, ओम मीटर है, या जूल कुलाम पर एम्पियर है, जूल पर कुलाम एम्पियर है। आपको बताना है कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, भैया याद रखना जवाब क्या होगा, जनता बोलेगा ओम मीटर, ये रेजिस्टिविटी है, ये रेजिस्टेंस है, इसकी होती है ओम, यहाँ पे आ जाएगा, इसकी निकालनी है मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, ये कट गया यहाँ से, आ गया ओम इनटू मीटर। चलिए भैया आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन क्या है, गति के नियम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिए गए, गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन या बॉयल, गति के नियम, बड़ा गति के नियम सभी को पता है भैया, वही वैज्ञानिक ने दिए जिनका नाम हम सभी लोग जानते हैं, उनका नाम है वन एंड ओनली न्यूटन, जितने लोग न्यूटन बोल रहे हैं जवाब सही है, न्यूटन ने गति के नियम दिए हुए, सही जवाब आपका न्यूटन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज एक्सप्रेस्ड एज, एक उपग्रह की बाध्यकारी ऊर्जा को किसके द्वारा व्यक्त करती हैं, बताइए क्या होना चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होगी, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। तो गाइस ये होती है हमारी जी एम एम अपॉन टू आर,
अगर हमारे सैटेलाइट की मास एम है, पृथ्वी का मास एम है, तो यहाँ पर जी कर दो और पृथ्वी से उसकी दूरी का डबल कर दो, ये होना चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी है ये। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन, वॉट, पास्कल या जूल, क्या होना चाहिए हमारे प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? जल्दी जल्दी रिविजन करें, ताबड़तोड़ तरीके सारे क्वेश्चन रिविजन कर लो, है ना। यहाँ पे जनता बोले से सही जवाब होना चाहिए पास्कल, पास्कल इतना बोल रहे हैं, सही जवाब है पास्कल इज राइट आंसर। नो वर्क इज डन, अगर कोई काम नहीं किया जाएगा, जब जब एक हमारा बच्चा जो है वो हमारे किताबों को लेकर के पिक्स अ पाइल ऑफ बुक फ्रॉम अ सेल्फ लेकर के खड़ा है, हॉर्स पुल अ कैट कार्ट, एक गाड़ी को घोड़ा खींच रहा है, गर्ल पुश अ ट्रॉली, ट्रॉली को एक लड़की धक्का दे रही है, मैन स्टैंडिंग होल्डिंग टू सूटकेस, एक आदमी जो है सूटकेस लेके खड़ा है, ठीक है, एक बच्चा किताब को निकाल करके रख रहा है एक टेबल पर, एक घोड़ा कार्ट को खींच रहा है, लड़की धक्का दे रही है, और एक मैन जो आदमी जो है वो दो सूटकेस लेके खड़ा है। तो भैया यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, देखो लड़का जो है किताब को उठा के रख रहा है, घोड़ा खींच रहा है, लड़की धक्का दे रही है, सब में डिस्प्लेसमेंट है, ये चचा खड़े है, खाली खड़े है तो कहां से होगा, खत्म काम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से फिलिंग द ब्लैंक्स, अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को अल्ट्रासाउंड कहते हैं, अल्ट्रासाउंड, बीस हजार के का मतलब हजार है, 20,000 किलोहर्ट्ज, हीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हीट किसका एग्जाम्पल है बताइए, तो हीट जो है ये एग्जाम्पल हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, ये हमारा किसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लाइट हो चाहे हीट हो ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। वायु की चाल कितनी होती है, वायु की चाल कितनी होती है प्रकाश में, प्रकाश की वायु में चाल कितनी होती है यह पूछा गया, वायु की चाल नहीं है, हमने कहा हाँ यार वायु की चाल पूछ रहे हैं, लाइट की एयर में चाल क्या है, सही जवाब है 3×10^8, 10^8। लेंस की एक फोकस लंबाई 10 सेंटीमीटर है, डायोप्टर में लेंस की शक्ति क्या हो जाएगी? चलिए एक न्यूमेरिकल बनाइए जल्दी से, सिंपल क्वेश्चन था, 10 डायोप्टर आ जाएगी, 10.80 बड़ा हो गया। चलिए आगे चलते हैं, आपको बताना है लाइटिंग कंडक्टर जो है ये किसने दिया था, लाइटिंग कंडक्टर का आविष्कार, देखो जब बिजली गिरती थी तो एक कॉपर की रॉड लगा दी, लाइट गिरी इसको ग्राउंड कर दिया, किसने इसका आविष्कार किया था? सही जवाब है हमारे विंटसर्फ, विंटसर्फ ने इसकी खोज की थी। आगे चलते हैं, पारिस्थितिक इन इंडिया खोज किसने की थी, रामदेव मिश्रा, बाबा रामदेव, वंदना शिव है या मेधा पाटकर, इकोलॉजी इन इंडिया ये खोज करने वाले कौन है? जनता बोलेगी सर सही जवाब थे रामदेव मिश्रा। किसे वातावरण के प्रदूषण में अम्लीय वर्षा होती है, है ना, अम्लीय वर्षा का कारण क्या है बताइए, क्या होना चाहिए, क्या रीजन है कि भैया ताजमहल का रंग येल्लो कलर का हो रहा है, ताजमहल येल्लो कलर का हो रहा है, रीजन क्या है बताइए, आपको बताना है ये ताजमहल बना हुआ है इसमें अम्लीय वर्षा का कारण। जनता बोलेगी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, नाइट्रोजन और सल्फर के हमारे ऑक्साइड की वजह से ऐसा हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से किस दर पर ऋण लेता है, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या SLR, हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये कॉमर्शियल बैंक से किस रेट पर इंटरेस्ट लेता है? जनता बोलेगी रिवर्स रेपो रेट, रिजर्व बैंक के पास अगर आप पैसा रखेंगे तो इसको इंटरेस्ट देगा रिजर्व, रिवर्स रेपो रेट, ये दोनों पे रिजर्व RBI लेता है, RBI जो है इनसे इंटरेस्ट ले रहा है,
पैसा दिया इनको, मनी दिया बैंकों को और इनसे पैसा ले रहा है। 20 रुपए का नोट पहली बार भारत में कौन से साल में आया था? 75 में, 72 में, 74 में, 77 में। 20 रुपए का नोट पहली बार हिंदुस्तान में कब आया? जनता बोलेगी सर 20 रुपए का नोट अगर आप देखेंगे ये पहली बार हमारे हिंदुस्तान में आया था, हम सभी लोगों ने देखा था, ये आया 1972 में, 1972 में आया था, बहुत ही बढ़िया नोट था, हमको उस समय नहीं मिला था। बाई कार्बन फंड, ये हमारे फॉरेस्ट सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप इज मैनेज्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF है, UNDP है या वर्ल्ड बैंक है। बाई कार्बन फंड इनिशिएटेड फॉर द सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप इज मैनेज्ड बाय हमारा वर्ल्ड बैंक। जितने लोग यहाँ पर वर्ल्ड बैंक बोल रहे हैं जवाब सही है, ये इसके द्वारा मैनेज किया जाता है। What is the direct instrument of monetary policy? LAF है, OMO है, रेपो रेट है या CRR है? इनमें से डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट मॉनेटरी पॉलिसी का कौन है? जनता बोलेगी सर डायरेक्ट की बात करेंगे तो रेपो रेट और हमारा CRR और SLR ये दोनों डायरेक्ट हैं। ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल का मतलब है इनडायरेक्ट है, मन करे तो करिए नहीं तो नहीं, लेकिन ये मेंटेन करना जरूरी है, मेंटेन करना ये दोनों जरूरी है। अगला क्वेश्चन है डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी विल बी मोर बेनिफिशियल इफ प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स रिमेन कांस्टेंट, एक्सपोर्ट बिकम चीपर टू इंपोर्ट, एक्सपोर्ट रिमेन कांस्टेंट या एक्सपोर्ट राइजेस प्रपोजनली। डीवैल्यूएशन का मतलब है हमारे करेंसी का विदेशी करेंसी के रेस्पेक्ट में वैल्यू का कम होना, वैल्यू का कम होना, इसी को डीवैल्यूएशन बोलते हैं। ये लेकिन बेनिफिशियल होता है, कब बेनिफिशियल होगा? जब एक्सपोर्ट बिकम चीपर टू इंपोर्ट, हमें भेजना वस्तुओं को भेजना विदेश में, हमने जैसे ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को दिया है, ये चीपर हो जाए, सस्ता हो जाए, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फॉर विच फंड कैन बी अन एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर टू मेट विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। इनमें से संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना कौन सा अप्रत्याशित व्यय निधि जारी किया जा सकता है? कौन सी रिलेटेड है, कॉन्टीजेंसी है, वोट ऑफ अकाउंट है या फॉर्म ऑफ ट्रेजरी है? जनता बोलेगी इसका सही उत्तर होना चाहिए कॉन्टीजेंसी फंड, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी इस फंड को निकाला जाता है, यहाँ पर हम बोलेंगे कॉन्टीजेंसी फंड। मुद्रा स्फीति की दर जब जीरो से भी कम हो जाए, भैया जीरो से भी कम चली गई तो उसको क्या बोलेंगे? डिसइन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। बेटा एक वैल्यू थी जीरो, उससे भी नीचे चली गई, ये कैसे हो सकता है? जनता बोलेगी सर इसको बोलते हैं हम लोग डिफ्लेशन। भैया हमने खरीदा था नोकिया का मोबाइल 1600 में, 1600 बनाने की कीमत आ रही है लेकिन कोई खरीद ही नहीं रहा है, 1000 रुपए का बेचना पड़ रहा है ना, कंपनियां बंद होती हैं, लोगों को निकाला जाता है, इसी को बोलते हैं डिफ्लेशन। आगे चलते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री का नाम भारतीय नोट मुद्रा पर देखेंगे। भैया ये भाई साहब ने साइन किया हुआ है, यहाँ पर साइन कर दिए है ना, बताइए कौन है? अटल बिहारी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव। जनता बोलेगी सर ये बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री थे, हम सभी लोग इनको जानते हैं मनमोहन सिंह के नाम से, कई लोग मनमोहन सिंह बोलते, तो ये प्रधानमंत्री तो बन गए थे लेकिन इतना इनके ऊपर दबाव था कि ये मौन हो गए, इतनी सारी पार्टियों का सपोर्ट था, ये बेचारे इनकी कोई सुनता ही नहीं था, इन्होंने शांत रहना ही, 10 साल शांत रह करके चुपचाप 10 साल काट दिए भाई साहब, बताइए ना 10 साल, मोदी जी का 10 साल कंप्लीट हो रहा, तहलका मचाए रखे हैं, समझ रहे हो कि नहीं, कभी नोटबंदी, कभी जो है कुछ कर दे रहे, कभी कुछ कर दे रहे, और ये भाई साहब चुपचाप से बेचारे आते थे है ना, थोड़ा सा ऐसे जैकेट से हाथ निकाल के हेलो हाय करते थे, वापस जैकेट में जेब और फुल जो है 10 साल का टर्म काट दिए, बहुत बड़ा टर्म था इनका, लेकिन जो है नॉलेजेबल बहुत थे, लेकिन इतनी पार्टियों का सपोर्ट था है ना, कोई भी कहता था ज्यादा करोगे सपोर्ट खींच लेंगे, सरकार गिरा देंगे, जिसकी वजह से इनके ऊपर ज्यादा जो है हमारा दिक्कत आ गया। गाइस देखिए ये बहुत जरूरी है, डेमोक्रेसी में दो चीजें बहुत जरूरी है, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारी जो रूलिंग पार्टी है उसको मैंडेट प्रॉपर मिलना चाहिए, और दूसरा हमारा जो अपोजिशन है
वो भी मजबूत होना चाहिए। अब अपोजिशन गायब भी है पूरे, कोई ऐसी अपोजिशन की पार्टी नहीं है जो कि बीजेपी को भी थोड़ी बहुत भी टक्कर दे रही है। सब बेचारे जो है अपनी अपनी पॉलिसी में फंसे पड़े हैं, डुबकी मार रहे हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, जो हमारी रूलिंग पार्टी होती है वो ये सोचती है कि आई एम द बेस्ट, हमसे अच्छा कोई नहीं, हम जो भी कर रहे हैं बेस्ट है, हमने हमने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए बढ़िया कर रहे हैं भाई, 150 करेंगे, हमने जो है खाने की तेल के दाम बढ़ा दिए बढ़िया है, रेलवे के एग्जाम नहीं हो रहे, अरे कोई दिक्कत नहीं, लड़कों को वोट तो आ ही रहे हैं यार, यूपी जीत गए, मणिपुर में जीत गए, है ना, अलग अलग जगहों पे जीत रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, एसएससी का रिजल्ट जो है वो बहुत धीमे रफ्तार से देंगे, बच्चों को तो दिक्कत है ही नहीं, वोट तो आ ही रहे हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, हम चुने किस चुनो किसको, है ना, कोई गुंडे को टिकट दे देता है तो वो बेचारा जाके उल्टा सीधा भाषण दे देता है, लोग वहां के डर जाते, भाई साहब ये मान लो ऐसे अभी बोल रहा है, कहीं वाकई में पावर में आ गया तो पता चला कि हमारी बहू बेटियां खतरे में आ गई तो बोलता है चलो, है ना, ना मामा से काना मामा अच्छा है, मतलब कोई ना हो उससे अच्छा इन्हीं को चुने। तो एक सशक्त अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से ये हमारी जो डेमोक्रेसी है वो दिन प्रतिदिन खतरे में आ रही है। शायद इस बात को बहुत सारे लोग उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या किया जाए, हमारे जो जानकार लोग हैं वो इस चीज पे एग्री नहीं करते हैं। तो सही बात यह है कि जनता जो बीजेपी को बार बार वोट दे रही है, उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे हम सुरक्षित हैं। चलो खाए बिना तो आदमी 14 दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर हमारे ऊपर सुरक्षा की दृष्टिकोण से कोई दिक्कत आ गई तो फिर क्या करेंगे। तो इस वजह से बीजेपी को वोट दिए जा रहे हैं ज्यादातर पार्टीज में, लेकिन स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी लोग देखते हैं या दिखाई जा रही है, है ना। चलिए आगे चलते, आगे हमारे पास आ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है भैया, अब तो हो सकता है तुम्हारा अलग हो, तुम लोग जो है बुरा मान जाओ, कह दो नहीं हर हर मोदी घर घर मोदी, है ना, ये बोलना शुरू कर दो तुम लोग कि सर यूपी में तो इतने रोजगार मिल गए कि यूपी के लोगों को कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, यूपी जो है वो सबसे सशक्त प्रदेश है। भैया वो तुम्हारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग हो सकता है, हो सकता है कि छाया का और अलग हो, है ना, हो सकता है विकास का अलग हो, सबका अपना अपना सोचने का तरीका है। तो ये मैं बात बोल रहा हूँ कि भैया देखो महंगाई तो है भाई साहब, मैं सच बता रहा हूँ कि भाई अगर आप जिस दिन कमाना शुरू करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे हमारे तरीके, तो तुम्हारे भी सर के बाल चले जाएंगे, समझ रहे हो, महंगाई तो है, बात मानो या ना मानो, अब तुम लोगों को ये मानना पड़ेगा, बेरोजगारी है, दबा के बेरोजगारी है, गवर्नमेंट जो है वो रेलवे को तो समझ लिया है, रेलवे की वैकेंसी की फुटबॉल है, इधर से गोल मारते उधर से मारते उधर से मारते, हम लोग भी गोल गोल घूम रहे हैं, हम भी सही बताया, हमने जो है कम से कम बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया एनटीपीसी ग्रुप डी में, अब बच्चे हमसे रोज पूछते हैं सर एग्जाम कब होगा, भाई साहब हमारे कहा बताएं गवर्नमेंट के बारे में। चलिए आगे चलते, हाँ नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम का मतलब है वेजेस ओनली, रेंट ओनली, सम ऑफ ऑल फैक्टर या नन ऑफ दीज, क्या होना चाहिए भैया यहाँ पे, हमारे राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है। अच्छा ये न्यूजीलैंड में स्पीच देने जा रहा, कौन है भाई ये, जनता बोले सम ऑफ ऑल फैक्टर कॉस्ट, राष्ट्रीय आय का मतलब होता है कि जितनी भी हमारी इनकम आ रही है, जितनी जगहों से इनकम आ रही है सबको उठा के जोड़ दो, उसमें सब्सिडी को घटा दो, सब्सिडी को जोड़ दो और टैक्सेस को हटा दो। अच्छा एक बात बताइए, हमारे शॉर्ट टर्म जो होता है, मतलब एक साल दो साल के लिए जो हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उनको क्या बोलेंगे, शेयर बोलेंगे, डिबेंचर्स बोलेंगे, म्यूचुअल फंड बोलेंगे, ट्रेजरी बिल्स बोलेंगे। देखिए दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो हमारे दो तरीके के मार्केट होते हैं, एक होता है शेयर मार्केट और एक होता है मनी मार्केट, या एक को हम लोग सिक्योरिटी मार्केट भी बोल सकते हैं और दूसरे को मनी मार्केट। ये होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एक साल से कम के लिए, ये होता है लॉन्ग टर्म, इसको रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको रेगुलेट करता है आरबीआई, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें आता है टी बिल्स आ जाते हैं, इसमें हमारे सीडी आ जाता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसमें हमारा सीपी आ जाता है, कॉमर्शियल पेपर आ जाता है, जबकि इनमें कौन कौन से आते हैं, बॉन्ड डिबेंचर्स आ जाते हैं, इसके अलावा म्यूचुअल फंड आ जाता है, इसके अलावा जो है हमारे शेयर तो आते ही हैं, सब इसमें आ जाता है। तो ट्रेजरी बिल के ऊपर टिक करो, नंबर लेके जाओ, आगे बढ़ जाते हैं। ट्रेजरी बिल सही जवाब है। TRIM का फुल फॉर्म क्या होता है भैया, इसे क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मीजर्स, ट्रेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन मीजर्स,
ट्रेड रिलेटेड इंडस्ट्रियल मीजर्स या ट्रेड रिलेटेड इनोवेशन मीजर्स, TRIMS का फुल फॉर्म होता क्या है? यहाँ पे जनता बोलेगी सर फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मीजर्स, TRIMS। ट्रेड रिलेटेड हमारे जो इन्वेस्टमेंट मीजर्स है वो सही जवाब है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर, हमारे यहाँ पर जो एक्सिम बैंक है ये स्थापित कब किए गए थे, 80 में, 81 में, 82 में या 84 में, बताइए क्या होना चाहिए। यहाँ जनता बोले है सर एक्सिम बैंक्स की जो स्थापना है, जितने भी जनता बोले है सर होना चाहिए 1982 में किया गया था, नंबर उनको बढ़िया तरीके से मिल रहा है, जवाब सही है। अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं, इनमें से कौन सा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का हमारा मापक नहीं है। अब आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर करना चाहते हैं, किससे आप माप नहीं सकते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेशियो या हमारे क्रॉस एनरोलमेंट। तो भैया देखिए मानव डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आप जो है जेंडर गैप से नहीं मेजर कर सकते, बाकी सब है भैया, इंसान जो है बढ़िया से रह रहा है कि नहीं, उसके थाने उसकी थाली में चार रोटी आ रही है कि नहीं। Which of the following five-year plans was last official five-year plan in India? अंतिम वाला कौन सा था? 14 था, 13 था, 12 था या 15 था? क्या होना चाहिए दोस्तों? अंतिम five-year plan कौन सा था? ये देखिए मैंने ऐसे बना दिया है टोपालाल को, ये टोपालाल है ना, ये हमारे 2012 से लेकर के 2015 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। फिर इन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ पर आ गया नीति आयोग 2015 एक जनवरी से नीति आयोग आ गया, ठीक है। चलिए तो नेशनल इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का आयोग उद्देश्य गरीबों का उन्मूलन था, पावर्टी एलिवेशन जो है ये हमारे कौन से फाइव ईयर का प्लान था। जनता बोली है सर चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं, अगर इनमें से चुनना पड़े तो हम यहाँ पर गरीबी हटाओ, गरीबों को नहीं हटाओ यार, जनता बोलती गरीबों को हटाओ, ये नहीं गरीबी हटाओ, पांचवी पंचवर्षीय योजना का हमारा कॉन्सेप्ट था गरीबों को हटाओ। देख रहे हो लड़के कितने शैतान है, बहुत शैतान है तुम लोग। 1969 से लेकर के 1974 तक चली थी ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी, है ना, और 1974 से लेकर के 1978 तक, बोलोगे चार साल क्यों थी, क्योंकि गवर्नमेंट गिर गई थी, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। फिर दो साल तक रोलिंग प्लान चला था, रोलिंग प्लान दो साल तक चला था। एग्रीकल्चर कम्स अंडर विच सेक्टर, है ना, तो आपको बताना है कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो कौन से हमारे क्षेत्र में आता है, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी या क्वार्टरी। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया यार, प्राइमरी में आता है ना, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग आते हैं, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग आता है ना, टर्सरी में सर्विस इंडस्ट्री आता है, जितना भी सर्विस सेक्टर है वो टर्सरी में आता है। इनमें से कौन सा डिमांड ड्राफ्ट के विषय में सही नहीं है, डीडी के बारे में कौन सा सही नहीं है, ये हमारे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बैंकर्स चेक है, इट मे बी डिसऑनर ऑन द लैक ऑफ फंड या इट इज इशूड बाय बैंक। भैया देखो हमारे स्कूल में जो ऐसे बनाया जाता था, टू द फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ ABC कॉलेज, ABC इंजीनियरिंग कॉलेज, तो इसके बाद से यहाँ पे बनाते थे 75,000, बैंक बना के देता था, ये बैंक का साइन होता था, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा साइन करके देता था। तो ये हमेशा बैंक के द्वारा इशू किया जाता है, ये बैंकर्स चेक बोलते हैं, ये कभी भी डिसऑनर नहीं होता है, ठीक है, कभी भी डिसऑनर नहीं होता है। तो ये भैया गलत है, गलत बात हम यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, डीडी के बारे में तो खास तौर पे नहीं। गाइस देखिए टेक्स्ट बुक पास जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, सभी 470 एग्जाम्स आप यहाँ पर दे सकते हैं टेस्ट के रूप में, मतलब आपको SSC, रेलवे, बैंकिंग, UPSC अलग अलग टेक्स्ट बुक पास नहीं लेने। टेस्ट बुक पास क्या है, मॉक टेस्ट है, यहाँ पर जनता मॉक टेस्ट दे सकती है। देखिए ये कूपन कोड याद रखिएगा, पैक पास, PAC, के नहीं लगा देने, एक लड़का पैक पास लगा दिया था, अब हमने कहा काहे के लिए, दिवाली कह रहा सर होली आ गई इसलिए पैक पास लगा, नहीं बेटा PAC PASS क्या हो जाएगा इससे, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं होएगा क्या, इससे हो जाएगा रोहन स्मार्ट स्ट्रांग बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पर SSC CGL का देख रहा हो, इसके लिंक के डिस्क्रिप्शन में, ये देखिए हम पढ़ा रहे हैं, हमारे सर पे बाल नहीं है अभी, तो यहाँ पर देखो ये हमने ऐसे क्लिक किया तो ये आपका ऐसे खुल जाएगा, देखो खुल जाएगा, यहाँ पे आप देखिए 399 का दिख रहा है, अप्लाई कूपन करो, PAC रे नाम क्या है, PAC लगाओ और खत्म हो गया। तो ये बहुत जरूरी चीज है, तैयारी करने वाले बच्चों को ये रखना चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं। हमने भी यार बहुत मॉक टेस्ट लगाए हैं, हमारे यहाँ पे ऑफलाइन होता था, हम जाते थे है ना भरी दोपहरिया में टेस्ट देने के लिए,
अपनी कोचिंग में, याद है हमको भरी दोपहरिया में टेस्ट देने के लिए जाते थे और फिर उसके बाद से हम लोग, अरे यार ये क्या हो रहा है, सी कौन लगाएगा कंप्यूटर जी, तुम भी मतलब आजकल नौटंकी करने लग गए हो, एक और लगाओ, एक जैसे लगाएंगे क्या हो जाएगा, ये देखो हमने लगाया 360 रुपए का। तो भरी दोपहरिया हम जाते थे और बड़ा मजा आता था, टेस्ट देते थे, मतलब आदत पड़ गई थी, हफ्ते में 2 से 3 बार जो है टेस्ट होता था हम लोगों का। और फिर उसके बाद से लिस्ट लगाई जाती थी, लिस्ट लगाई जाती थी, तो वहां पे हम लोग अपना नाम देते, कौन से नंबर पे तुम्हारा, कौन से नंबर पे 178वें नंबर तुम्हारा, 74, बड़ी बड़ी सी लिस्ट लगती थी, छोटे मोटे बच्चे थे। तो भरी दोपहरिया में आजकल क्या सब टेस्ट बुक वालों ने सब कुछ आपको ऑनलाइन कर दिया है आराम से, और कितने में 360 भाई साहब, अब तुमको कहा बताए, इसके आगे 2 जीरो लगा दो, इतना हमारे लोग का होता था। बड़ी मेहनत SSC की तैयारी में लगती थी, है ना। उसके बाद से यहाँ पे आपको तुरंत ही रिजल्ट मिल जाएगा, आपकी रैंक क्या है, टॉपर के साथ क्या, और साथ ही साथ पूरा सोल्यूशन लो, पूरा का पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। और सिर्फ SSC का नहीं, हर एग्जाम का, बैंक का, सबका है, और एक साल का आपको पूरा मिलेगा। टैग पास लगाओ बढ़िया, 2 महीने का एक्स्ट्रा मिला ना, वीकेंड है, 2 महीने का एक्स्ट्रा मिल गया, खत्म हो रहा है, जल्दी से लगा लो जा करके, है ना। एक लड़का जो है वो इसी से को लगा लगा करके अपना सिलेक्शन ले लेता। प्रैक्टिस करो, अपना वहां पे जो गलती हो रही है उसको रिव्यू करो। देखिए यहाँ पर गलती ना करने के 3 तरीके होते हैं, 3 ऐसी मैं आपको विधियां बता रहा हूं जिसका इस्तेमाल करके आप गलतियों को कम कर सकते हो। सबसे पहला, आप किताबों को पढ़िए, जितना ज्यादा किताबें पढ़ेंगे आपको उतना ज्यादा नॉलेज होगा। दूसरा, फिर भी गलतियां होंगी जरूर किताब पढ़ने के बाद, टीचर के संपर्क में रहिए, टीचर जो आपको बातें बता रहा है उसको फॉलो करिए, जो भी आपके मतलब कॉन्सेप्ट वाले हैं ना, यूट्यूब पे तो कॉन्सेप्ट आजकल कोई ज्यादा पढ़ाता नहीं है, तो कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस है उसको आप फॉलो करिए, उसके बाद भी गलतियां होंगी। किताब पढ़ ली, टीचर पढ़ा रहा वो पढ़ लिया, उसके बाद भी गलतियां, फिर क्या करें। अब आपको टेस्ट देना है, मतलब आपको अपनी लाइफ में उसको प्रैक्टिकली जा करके करना है, फिर तुमको पता चलेगा असली क्या गलती होती है। अब उस गलती से एनालिसिस करो, अगर गलती नहीं हो रही है ना तो समझ लो कुछ गड़बड़ी है, कुछ गड़बड़ी है, या तो टेस्ट में गड़बड़ी है या तो तुम्हारे अंदर गड़बड़ी है, तुमने कहीं से नकल वकल कर ली है, टेस्ट या तो तुम्हारा छोटा हो गया है मतलब उसका लेवल नीचा है, या तो तुम बहुत बड़े जो है वो तुर्रम खान बन गए हो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। तो गलतियां अगर हो रही है तो उस गलती का एनालिसिस करो, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, GA हो, इंग्लिश हो, और फिर से जा करके अगले दिन टेस्ट दो। लेकिन ये कसम खाना पड़ेगा कि जो गलती आज हमने की है वो अब कल नहीं करूंगा। बार बार गलतियां करना और उनसे सीखना वही इंसान को सफल बनाता है, क्योंकि इंसान एक गलतियों का पुतला है। तो गलतियां करो, उसे सीखो, और वो टेस्ट बुक पास है जो तुम्हारी इन गलतियों का अभ्यास कराएगा। और कूपन कोड क्या है, PACPASS, पैक पास। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कूपन कोड लगाओ, एनरोल कर लो, या 360 रुपए में है ना मूवी देखने में खर्च कर देते हैं। कई लोग अगर गर्लफ्रेंड के साथ जाते हैं तो उसमें और भी खर्चा हो जाता है, पॉपकॉर्न, समोसा, कितने का मिलता था यार हॉल में, कितने का मिलता था ये तुम लोग तो जानते ही होगे, पता नहीं 50 की 45 रुपए का मिलता है कानपुर के साउथ एक्स में, बड़ा महंगा देते हैं, Rio 3 है कानपुर में वहां बड़ा महंगा देते हैं, तो भैया बड़ा महंगे समोसे मिलते हैं। तो इसी वजह से जो है वो आप लोग इसको एनरोल करिए, इसके ऊपर खेलिए, और फिर नौकरी लग जाए फिर दबा करके मूवी देखने जाइए, है ना, और इंजॉय करिए। चलिए मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए देखो यार आर्या बोले सर कि हम CBT में 120 में से 110 लेकर आए हैं, भैया वो गारंटी नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं, मोदी जी बोल रहे हैं उसमें भी गारंटी नहीं है, 36,000 वैकेंसीज हैं भाई साहब हैं, उसके बाद भी बच्चों इतना रिसोर्सेस हो गया है, और जितना ज्यादा रिसोर्सेज हो रहा है उतना ज्यादा कट ऑफ ऊपर जा रहा है, उतना ज्यादा कट ऑफ ऊपर जा रहा है। लोगों के पास सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स पढ़ ले रहे हैं, है ना, मैथ पढ़ने के लिए उनके पास बढ़िया रिसोर्सेज हो गए, पढ़ रहे हो, जितना ज्यादा बच्चा पढ़ रहा है उतना कट ऑफ ऊपर जा रहा है। तो भैया पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, गर्दा मचाते रहिए, और मिलते अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा, 6 बजे कल मिलेंगे वीकली करंट अफेयर्स रिवीजन के साथ। बाय बाय गाइस, टेक केयर, है ना, हैप्पी संडे, एंजॉय करो, गर्दा उड़ाओ, क्या करना है जिंदगी में, और